ऑलराइट गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया प्रेडिक्शन में, जो कि अब बन चुका है स्पोर्ट्स इंडिया स्पोर्ट्स अपडेट्स भाई चंदन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो मुकाबला खेला जाने वाला है नीदरलैंड और यूएई के बीच में, ये मुकाबला 7:30 बजे से खेला जाएगा, मैं आपको बता दूँ। और टॉस हो चुका है, जैसा कि हम जानते हैं कि नीदरलैंड पहले ऑप्शन गेंदबाजी का कर रहा है। तो स्टीवन माइबर्ग ओपनिंग आएंगे और मैक्स डाउट ओपनिंग करेंगे नीदरलैंड की ओर से। कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको हेल्प कर सकूँ उसके बारे में। आई बिलीव आप लोगों को पता होगा कि कौन बल्लेबाजी कर रहा है पहले। यूएई पहले बल्लेबाजी कर रहा है, अगर हम बात करें एक बार फिर से आपको अपडेट दे दूँ। जो प्लेइंग 11 है यहाँ पे नीदरलैंड्स की, वह है स्टीवन माइबर्ग, मैक्स डाउड हैं यहाँ पे, सिकंदर जुल्फिकर हैं, साकिब जुल्फिकर, बेन कूपर, स्कॉट एडवर्ड्स, पीटर सेलर हैं कैप्टन जो कि, और अगर हम बात करें यूएई की भाई बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूएई की बात करें तो रोहन मुस्तफ़ा हैं भाई। मेक श्योर आप, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, सौरभ जी नमस्कार आपका सबसे पहले मेरे चैनल में। और अगर हम बात करें यूएई की टीम की, यूएई की जो टीम है यहाँ पे, रोहन मुस्तफ़ा हैं, अशफाक अहमद हैं, गुलाम सबीर हैं, सुल्तान अहमद हैं, रमीज़ शहजाद हैं, उस्मान मोहम्मद उस्मान हैं, मोहम्मद बूटा हैं, इसके अलावा मोहम्मद नबीद जो कैप्टन हैं, अहमद रेजा राजा हैं, डेरियस डिसिल्वा और जहूर खान हैं। तो ये रही टीम भाई साहब। और कोई भी क्वेश्चन होगा इस प्लीज़, मंसूर भाई मैं आपको टीम दे देता हूँ, कमेंट में ही डाल देता हूँ आप लोगों को टीम। तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, जिस पे कि मैंने दे दिया आपको। और जैसा कि मैंने कहा, जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया गाइस, प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। और हमारे साथ 28 लोग भाई, टीम अभी भी, नितिन जी मैंने टीम बताई है आपको, आप मेरे एक काम करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नहीं तो मैं आपको प्लेइंग 11 देता हूँ बारी बारी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप कमेंट सेक्शन चेक करें, कमेंट में मैंने आपको डाल दिया है नितिन भाई, आप चेक कर सकते हैं। ओके सो ब्रदर, आप यूएई की टीम देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को अब तक, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। और भाई, अगर नीदरलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें, तो नीदरलैंड की प्लेइंग 11 ये रही। नितिन जी वेलकम भाई, और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ये है नीदरलैंड की टीम, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों ही टीम्स। क्रिकेट लव 360 भाई, देखो मैं सर्च तो कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, लाइव दिखाने का ही मैं सोच रहा हूँ, ताकि आई एम ट्राइंग द वे, बट लेट्स सी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और गाइज प्लीज़, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। बता दूं आपको अपडेट जो है अब तक का, यूएई यहाँ पे बैटिंग करेगी पहले,
तो जैसा कि मैंने बताया गाइज आप लोगों को, टॉस जीत के पहले यहाँ पे नीदरलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, और जिन जिन लोगों ने अभी अभी जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ गाइज, आपको प्लेइंग 11 मैंने प्रोवाइड कर दी, आप प्लेइंग 11 भी चेक कर सकते हैं। राइट अगर हम बात करें यहाँ पे 4 मिनट में गेम स्टार्ट होने वाला है, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू शो यू द लाइव स्ट्रीमिंग गाइस, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। एंड और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन हेल्प यू गाइस। और इसके अलावा संदीप भाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग चला दूँ आज, मे बी लाइव स्ट्रीमिंग मुझे चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे मुकाबले की, तो ये मुकाबला हो रहा है यहाँ पे एम्सलविन में, और 4 मिनट 10 सेकंड और बाकी है मैच को स्टार्ट होने में। चलिए बता दूं मैं आपको एक बार टीम फिर से, अगर हम बात करें दोनों टीम्स में जो बेटर साइड है, मुझे लगता है यहाँ पे नीदरलैंड की साइड बेटर है यूएई के मुकाबले। ओके बात किसका है भाई, सोनू कुमार जी, सर राघव जी सबसे पहले वेलकम टू माई चैनल, एंड संदीप भाई आपका भी वेलकम है, सोनू जी आपका भी वेलकम है मेरे चैनल पे। अगर हम बात करें यहाँ पे कैप्टन किसको बनाया, आप सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, T20 मुकाबला है और रिसेंटली जैसी सीरीज़ गई है जो T10 हो रहा था, अगर आपने T10 फॉलो करा होगा, स्पेन में जो मुकाबले हो रहे थे वहाँ पर मैक्स डाउट ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है, तो आपके पास एक ऑप्शन है मैक्स ओ डाउट का, उनको डेफिनेटली आप लोग ट्राई करें। स्कॉट एडवर्ड्स की अगर बात करें तो स्कॉट एडवर्ड्स मे भी नीचे खेलेंगे, क्योंकि ओपनिंग में स्टीवन माइबर्ग आएंगे और मैक्स ओडाउड आएंगे, वो सिकंदर जुल्फिकर आएंगे, देन एक और जुल्फिकर है इनकी टीम में, साकिब जुल्फिकर। और सोनू जी जो बैटिंग है पहले यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और टॉस गुलामुद्दीन जी यहाँ पे नीदरलैंड ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, तो यहाँ पे यूएई बैटिंग करने वाली है। और बता दूँ मैं आपको और भी अपडेट्स दे दूँ, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आप ड्रीम इलेवन टीम बना रहे हो तो आपके पास केवल 1 मिनट बचा हुआ है, आप स्टीफन माइबर्ग को भी कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप रोहन मुस्तफ़ा को ट्राई कर सकते हैं, ही विल ओपन द इनिंग्स एंड ही विल ऑल्सो बॉल। राघव जी का कहना है मोस्ट ऑफ नीदरलैंड प्लेयर्स प्लेइंग इन वाइटैलिटी, ओके सो Yeah, you are right, Raghav. But you know, if we talk about recently these players, if we talk about Max O'Dowd and Pieter Seelaar, then Scott Edwards, Ben Cooper, Pieter Seelaar. So these 5 and 6 players have played T10 recently in Spain. If you remember, recently they played. So anyway, by the way, let's get started. I think match is going to start in another 1 minute. So they are on their way. 2 more seconds, I think. No, 2 more minutes, not seconds. And any one of you who has not subscribed my channel, guys, please subscribe to our channel. So in future, you will get the updates. In case I'm trying my best to show you the live streaming, but if I will not get it, I will tell you where you can watch it live streaming. और संदीप जी अगर हम बात करें यूएई की बैटिंग की, तो यूएई की बैटिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इनकी टीम में अगर हम बात करें तो रोहन मुस्तफ़ा हैं, अशफाक अहमद हैं, और इनकी टीम में मोहम्मद बूटा हैं, इनके अलावा मोहम्मद उस्मान हैं जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं मैं कहूँगा, और मोहम्मद नवीद रिसेंटली उन्होंने भी काफ़ी अच्छा वो करा है। सो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें
मैच स्टार्ट हो गया है गाइस, दो गेंदे हो भी चुकी हैं, दो गेंदों में 5 रन बन चुके हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करा है यहाँ पे, तो यूएई की बल्लेबाजी आई है। यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई में ओपनिंग में आए हैं यहाँ पे रोहन मुस्तफ़ा और अशफाक अहमद, तो ये दोनों प्लेयर्स आए हैं। दो गेंदों में 5 रन हो चुका है अगर हम बात करें इस मुकाबले की। तो भाई अगर हम बात करें दीपक जी कौन विन होगा, तो ये मुकाबला मुझे लगता है नीदरलैंड विन होगा। अगर आपको लगता है नीदरलैंड अच्छा करेगी, आप तो नीदरलैंड ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप सेव कर सकते हैं, आप अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं यूएई। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा दीपक जी ये मुकाबला? भाई स्कोर कार्ड ये रहा ना भाई, देखो यार 3 गेंदें 6 रन हुई हैं। अगर हम बात करें अशफाक अहमद और रोहन मुस्तफ़ा बल्लेबाजी करने आए हैं, और पहली ही गेंद पे चौका मारा था अशफाक अहमद ने, और 4 रन पे खेल रहे हैं 3 गेंदों में। प्रदीप धयानी जी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दीपक जी को भी लगता है यहाँ पर नीदरलैंड विन होगा। और कितने लोगों को लगता है यहाँ पर नीदरलैंड यह मुकाबला जीतेगा गाइस, आप लोग अपना अपना कमेंट करिए और देखते हैं कितने लोगों की प्रेडिक्शन सही होती है। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर नीदरलैंड की साइड ज़्यादा अच्छी है अगर हम दूसरी साइड से कंपेयर करें तो। यूएई की टीम उतना क्रिकेट नहीं खेलती है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक दे हैव अ गुड चांस। अगर कोई भी टीम की अगर हम बात करें, एक बारी हमें लगता है कि ये टीम अच्छी नहीं करेगी, लेकिन समटाइम्स दे डू बेटर। और अभिषेक जी अगर आपको नहीं देखना है तो प्लीज़ लीव, अदरवाइज ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हो चुके हैं 4 गेंदें हो चुकी हैं और 6 रन बन गया है, 5 गेंदें हो गई हैं। और अगर हम बात करें अशफाक अहमद 5 गेंदों पे 1 रन पे खेल रहे हैं, और रोहन मुस्तफ़ा को अभी तक स्ट्राइक नहीं मिला। रोहन मुस्तफ़ा अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोहन मुस्तफ़ा दूसरी साइड हैं, और यहाँ पर अशफाक अहमद खेल रहे हैं। पहली ही गेंद पर इन्होंने चौका लगाया था और 2 जो रन बने हैं दोनों ही वाइड के बदौलत रन बने हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, प्लीज़ जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। और आप लोग यहाँ पे अगर आप पहला ओवर की समाप्ति पे 8 रन बन चुके हैं, आखिरी गेंद पर भी 2 रन निकाला यहाँ पे, और एक ओवर के बाद 8 रन यूएई की टीम। और अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी ओर से, अभी भी अब स्ट्राइक पे रहेंगे मेरे ख्याल से रोहन मुस्तफ़ा, तो रोहन मुस्तफ़ा की बैटिंग देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। लेट्स सी व्हाट ही कैन डू, बट आई थिंक दीज यूएई प्लेयर्स हैज स्टार्टेड वेल इन द फर्स्ट ओवर। यू गाइस कैन सी इन 1 ओवर 8 रन्स, नो विकेट लॉस। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेइंग 11, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लेइंग 11 में काफ़ी अच्छी स्टीवन माइबर्ग हैं दूसरी साइड में नीदरलैंड की ओर से। और अगर हम बात करें यहाँ पे यूएई की ओर से, यूएई की ओर से भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं खेल रहे हैं इस मुकाबले में। ओके एसपी स्टेटस जी, अहमद को आपने किस में लिया है, उनको आपने अपनी टीम में नहीं लिया है या फिर आपने टीम में लिया है उनको? चलिए गाइस दूसरा ओवर स्टार्ट हो गया है। दूसरे ओवर के स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर गेंदबाजी जो करने आए हैं यहाँ पर ओवरडिक आए हैं, और ब्रेंडन ग्लोवर ने पहले ओवर में 8 रन दिए और 4 गेंद डॉट करी और एक चौका उन्होंने पिटवाया आखिरी ओवर में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मुकाबले की, और गाइस प्लीज़ जिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ का। अब आप देख सकते हैं अगर हम बात करें ब्रेंडन ग्लोवर ने एक ओवर में 8 रन दिया और रोहन मुस्तफ़ा यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, पहली गेंद यहाँ पर डॉट गेंद, यहाँ पर जो गेंदबाज हैं हिडे ओवरडिक हैं जिन्होंने अभी अभी ओवर स्टार्ट करा है। चलिए यहाँ पे दूसरा ओवर स्टार्ट हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे यूएई की टीम की अगर हम बात करें तो 6.85 का रन रेट चल रहा है। और सलमान जी आप लाइव नहीं देख सकते हैं इस मैच की, आपको कमेंट्री मिलेगी। अगर आपने अब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ की। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्राइक रेट्स की गाइस, तो पहली ही गेंद पे यहाँ पे दूसरी गेंद पे चौका लगा दिया है रोहन मुस्तफ़ा ने, और
तीसरी गेंद पे एक और डबल ले लिया है, तो यहाँ पे नहीं एक और सिंगल, तो यहाँ पे एक और तीन गेंदें हो गई हैं और 13 रन बन चुके हैं। रोहन मुस्तफ़ा ने जो बाउंड्री मारी थी अभी, काफ़ी अच्छा शॉट था अगर हम बात करें, कवर्स की साइड में गेंद को करा था और आराम से गेंद बाउंड्री लाइन्स के बाहर चली गई, थोड़ा सा रूम मिला था यहाँ पे और सीधा उन्होंने कवर के तरफ चौका लगा दिया। उसकी अगली वाली गेंद पे एक ओवर तीसरी गेंद पे यहाँ पे एक रन मिला और धीमी हाथों से खेल के मिड विकेट की तरफ एक रन निकाला। तो यहाँ पे स्ट्राइक पे आ चुके हैं अशफाक अहमद और रोहन मुस्तफ़ा अब दूसरी स्ट्राइक पे चले गए हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने रन बनते हैं दूसरी टीम के। यूए की क्या लगता है गाइस, आप लोगों को कितनी रन बनेगा यहाँ पे यूए की, आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आइए और आप अपनी बता सकते हैं कि इस मुकाबले में कितना बन सकता है। जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन है, मुझे लगता है यहाँ पे ये यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई यहाँ पर हमसे समवेयर दे गोइंग टू स्कोर लाइक आई विल से 150 और 60 के करीब यहाँ पे स्कोर बनेगा यूएई की बात करें तो। और आप लोग कितना लगता है कितना बन सकता है गाइस। चलिए एक ओवर चार गेंद हो गई है, एक और चौका लगाया अशफाक अहमद ने, काफ़ी अच्छा शॉट और पुल थोड़ी सी जल्दी पुल कर दिया था लेकिन एज लग के कीपर के ऊपर से चार रनों के लिए। और पाँचवीं गेंद पे एक और चौका अशफाक अहमद का, लेग साइड में खेला था और बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद चली गई चार रनों के लिए। तो अशफाक अहमद की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया यहाँ पे अशफाक अहमद ने। और एमडी राशिद का कहना है कि नीदरलैंड जीतेगी। यस ब्रदर, आई एम ऑल्सो विथ यू, आई थिंक नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन दिस गेम। ओके सो अमित कुमार जी का कहना है 170 रन बनेंगे, लेट्स सी भाई, मुझे भी लगता है 160 के करीब डेफिनेटली बनने चाहिए क्योंकि अशफाक अहमद काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों में 14 रन पे खेल रहे हैं। और इसके बाद कुछ ही देर में आई थिंक इंडिया का मैच भी स्टार्ट होने वाला है गाइस, तो जिन जिन लोगों ने आप लोग आधे घंटे यहाँ पे देख सकते हैं, देन आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द इंडियन गेम एज वेल। और गाइस अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो ये मुकाबला एम्स्टर्डम में खेला जाएगा। एक और आखिरी गेंद में एक और शानदार चौका, तो यहाँ पे पहुँच चुकी है अगर हम बात करें यूएई की टीम 25 रनों पे और 2 ओवर की समाप्ति पे, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर हम बात करें। पुनीत जी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे आराम से 160 और 170 बन जाएगा। और कौन जीतेगा, मुझे लगता है ये मुकाबला नीदरलैंड जीतेगी। आपका आपको क्या लगता है कौन ये मुकाबला जीतेगा। अभिषेक जी चलिए आपके लिए अशफाक जी, अशफाक को हम आउट करा सकते हैं हम सारे लोग मिलके, अशफाक आउट लिख दो, जिन जिन को आउट कराना है, जिन जिन को आउट नहीं कराना है आप लोग मत लिखिए अशफाक आउट। ओके नागराजू जी दी स्कोर इज़ राइट नाउ पुनीत सेज नीदरलैंड विंस, या आई थिंक सो नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन दिस गेम। एंड इफ यू टॉक अबाउट scores right now, the score is 2.4 or 2.1 overs and it's 26 runs. Rohan Mustafa is still playing, he has scored 6 runs out of 4 balls, 1 boundary, and 18 runs Ashfaq has scored. Okay, UAE win please. Okay, Rukaya Nahidji, definitely we will pray for UAE as well. I think UAE is a very good team. So are you from UAE, Rukaya Nahid? Okay, Kushal Baragi, okay, I think so. Kushal is, Glover is going to take wicket because he's a good bowler. And if you have took him in the team, you must have... Okay, so it's 2.2 overs. Do over do gende ho gaye 26 run bina kisi wicket ke nuksan pe. और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अशफाक अहमद की बात करें तो 18 रनों पर पहुँच चुके हैं, केवल 10 गेंदों पे 4 चौके लगाए हैं, जो कि पिछले ओवर में ही 3 चौके लगा दिए थे। काफ़ी अच्छी शॉट थी अगर हम बात करें उसकी तो। और जिन जिन लोगों ने गाइज अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ की। दीर्घा बेदरी सेज नीदरलैंड विन, या आई थिंक सो नीदरलैंड आर प्लेइंग वेल। And thank you so much Kushal Baregi ji for your appreciations. It's really very tough to get appreciation here on YouTube, but somebody is appreciating, so thank you so much for that. And let's talk about the third ball. There is no run in the third ball as well. And if we talk about it's 2.3 overs, 26 runs, no wicket. And agar hum baat kar rahe hain run rate ki, to run rate kafi acha chal raha hai. Seema
सिमाचल अरेला उमा सेज हु विल विन. वेल उरेला भाई, आई थिंक दिस गेम आई विल से माई प्रडिक्शन इज नीदरलैंड इज गोइंग टू विन, बट इट्स नॉट लाइक ओनली नीदरलैंड कैन विन दिस गेम. यू ए हैव अ वेरी गुड चांस टू विन दिस गेम. तो चलिए, दो ओवर चार गेंदे, एक और चौका, काफ़ी अच्छा शॉट था इस बारी. फिर से अशफाक अहमद ने चौका लगाया, इस बार पुल कर दी थी गेंद को काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी काउ कॉर्नर की तरफ गेंद चार रनों के लिए चली गई. ओके गोविंद जी, हेलो, कैसे हो भाई आप? आपने अभी अभी ज्वाइन करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ का. और जिन जिन लोगों की बात करें, अगर इस मुकाबले की बात करें, दो ओवर पाँच गेंदे हो गई हैं और केवल और अच्छा स्कोर करा है अगर हम बात करें यहाँ पे यूएई की, तो क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं यूएई की प्लेयर्स. ओके और बात करते हैं यहाँ पे तीसरे ओवर की समाप्ति होने वाली है, ऑलमोस्ट आखिरी गेंद यहाँ पे और पांचवी गेंद पे कोई रन नहीं. यहाँ पे गेंदबाजी जो कर रहे हैं किंगमा आशफाक अहमद को कर रहे हैं, चार रन दिए हैं आखिरी गेंद पे और पांचवी गेंद पे कोच डिफेंस कर दिया था काफ़ी अच्छी से. और यहाँ पर आखिरी गेंद इस ओवर की, देखते हैं क्या होता है आखिरी गेंद पे. तीसरे ओवर की समाप्ति हो गई है, किंगमा की गेंद पर कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, कोई सिंगल नहीं, तो यहाँ पे एक और डॉट गेंद. यहाँ पे स्कोर हो चुका है तीन ओवर की समाप्ति के बाद 10-10 का रन रेट चल रहा है, 30 रन बन चुके हैं. और जिन जिन लोगों की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चौथा ओवर स्टार्ट होने वाला है और देखते हैं चौथे ओवर में क्या होता है. यहाँ पे काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो दोनों ही साइड्स. चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा ओवर स्टार्ट हो गया है और तीसरे ओवर में यहाँ पे गेंदबाजी करने आए हैं हाइडे ओवरजिक, जो कि पहला, जिन्होंने पहला ओवर करा था और पहले ओवर में ही 17 रन दिए थे इन्होंने, काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए थे उसके ओवर में. सी इस ओवर में क्या करते हैं ये. और जिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा है मेरे चैनल को, गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज. नाउ इट्स 3 ओवर्स विदाउट एनी विकेट. यू ए आर प्लेइंग, दे वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. लेट्स सी नाउ. ओके नाउ यहाँ पे एक चौथे ओवर की पहली गेंद, कोई रन नहीं. रोहन मुस्तफ़ा यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं अगर हम बात करें इनकी, तो रोहन मुस्तफ़ा इज़ प्लेइंग वेल आई विल से बिकॉज. और एक और चौका यहाँ पे अगर रोहन मुस्तफ़ा की बात करें तो यहाँ पे लगाया है, नहीं दो रन लगाए हैं आखिरी गेंद पे. जी हाँ, चौका लगाया है अगर हम बात करें रोहन मुस्तफ़ा ने पहली गेंद, दूसरी गेंद पे इस ओवर की. शॉट की बात करें तो काफ़ी अच्छा शॉट था, गेंद को यहाँ पे मिड विकेट की तरफ मारा और चार रनों के लिए गेंद. तो अब पहुंच चुका है स्कोर 34 रन तीन ओवर दो गेंदों की समाप्ति के बाद. सो एनी वन ऑफ यू हु हैज जस्ट जॉइन माई चैनल, लेट मी टेल यू, जिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा है मेरे चैनल को, आपको बता दूं कि पहले यूएई ने बल्लेबाजी करी है, टॉस पे वैसे जीता था यहाँ पे. दूसरी जो टीम है नीदरलैंड टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे 35 रन दे चुके हैं तीन ओवर तीन गेंदों के बाद. ओके रहमान भाई, देर इज़ नो वे दैट यू विल एबल टू वॉच द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ दिस मैच एनी वेयर, दिस इज द लाइव कमेंट्री दैट यू आर गेटिंग हियर. सो एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवर 3.3 ओवर्स 35 रन नो विकेट and they're playing well if I will say 36 runs has scored. Ashfaq is playing on 26 in 15 balls 6 boundaries. Rohan Mustafa is playing at 7 out of 7 balls. Another single by Ashfaq Ahmed, 16 ball 27 runs. Murad ji, agar hum baat kare ye muqabla Netherland jeetegi, meri prediction, aapko kya lagta hai ye muqabla kaun jeetegi, Netherland ya fir UAE?
और बता दूं गाइस, आप लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि ये मुकाबले में कौन जीतने वाला है। आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो एक लकी विनर को मिल सकता है ₹500 का पेटीएम कैश। तो आप बता सकते हैं कि मुराद जी का भी कहना है नीदरलैंड जीतेगी। सो लेट्स सी भाई, आई होप दैट यू विल विन दिस गेम। ओके सो 3.5 ओवर्स, इट्स 37 रन्स, नो विकेट। सो यू गाइज कैन प्रिडिक्ट हु इज़ गोइंग टू विन एंड वन ऑफ यू विल विन ₹500 पे टी एम कैश। चलिए यहाँ पे 3 ओवर 5 गेंदे हो चुकी हैं, 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद, ओके कुशल जी का भी कहना है कि नीदरलैंड जीतेगी। ओके लेट्स सी, हमारे पास दो प्रिडिक्शंस आ चुकी है, एनी वन एल्स? सौरभ जी डेफिनेटली भाई, यहाँ पे देखते हैं आउट होते हैं या नहीं होते, लेकिन लेट्स दे आर प्लेइंग वेल, सो आई थिंक दैट्स अ गुड। ओके यहाँ पे चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बन चुके हैं। अशफाक अहमद 31 पर पहुँच चुका है, 17 गेंदों का सामना किया है, 7 चौके लगाए हैं, तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और डील जो कर रहे हैं ये चौकों में ही कर रहे हैं। और अगर दूसरी टीम के गोविंद जी का भी कहना नीदरलैंड जीतेगी। मुराद जी स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। विवियन किंगमा ने एक ओवर में नौ रन दिए हैं और हाइडी ओवरडिज की बात करें 2 ओवर में 24 रन दिए हैं। अशफाक अहमद 31 पे खेल रहे हैं, 17 गेंदों का सामना किया है। एनी वन एल्स हु वॉन्ट टू जॉइन दिस कॉन्टेस्ट, यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट, आई मीन यू कैन कॉमेंट हु इज़ गोइंग टू विन दिस गेम। अजीत से इज़ नीदरलैंड गोइंग टू विन। ओके लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू विन दिस वन। आई थिंक नीदरलैंड, आई एम ऑल्सो विद नीदरलैंड, बट इफ़ यू टॉक अबाउट UAE, दे हैव स्टार्टेड रियली वेल, बिकॉज इफ यू विल सी द स्कोर कार्ड इट्स ओनली 4 ओवर्स एंड दे हैव स्कोर्ड 41 रन्स। ओके एनी वन हैव एनी क्वेश्चंस गाइज, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। शेख सागिर, वेलकम टू आवर ब्रॉडकास्ट। एंड नीदरलैंड, कुमार से इज नीदरलैंड विन्स। ओके नीदरलैंड आई थिंक सो। शेख जी आप चलिए, अ गुड स्टार्ट फॉर यू, वेरी गुड स्टार्ट ब्रदर, बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग। ओके यहाँ पे गोविंद जी का कहना है 8 ओवर के बाद पहला विकेट गिरेगा। चलिए गोविंद जी देखते हैं 8 ओवर के बाद पहला विकेट गिरता है या नहीं गिरता है, क्योंकि जहाँ तक अगर हम बात करें शेख सागिर, एक्चुअली देर इज़ नो वे दैट वी विल एबल टू कवर दिस गेम बिकॉज देर इज़ सम प्रॉब्लम्स। I was trying to play the live streaming for this game, but I was not able to play the live streaming. Okay, so the first wicket, bhai, Govind ji, aapki jo wo thi, kya kehte hain, aap jo kar rahe the ki nahi hoga, lekin yahan pe dekhiye pehla wicket hi gir gaya, chauthe over ki pehli gend pe hi. Okay, bhai 502 ke sach mein, ha bhai Abhishek ji, ek hi player, ek hi bande ko milega. Aur bola bhai ka wicket padi hai. Muraji, definitely bhai, it was unexpected, this Afrika hitting like storm. Yeah, definitely brother. Saurabh ji ka kehna hai, yeah, wicket gir gaya. Aur Sheikh, don't worry man, they have very good players, I think. They still have lot of players. Mohammad Boota is there, Mohammad Naveed is there. So I think UAE will do well. I think in this game they can score almost like 180, so they can win this game. Okay, Muraji, who is your favorite foreign player? My favorite foreign player, if you talk about, one favorite is David Warner. And who is yours? तो नीदरलैंड जीतेगा जो विकेट गिर। ओके गोविंद जी, डेफिनेटली भाई नीदरलैंड तो जीतेगा ही, लेकिन आई थिंक यहाँ पर अगर अच्छी कर रही है यहाँ पर टीम, तो हमें अप्रिशिएट डेफिनेटली करना चाहिए। उमेश जी का कहना इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच चल रहा है, लाइव अपडेट्स। ओके भाई लेट्स सी, अभी पता नहीं यार इंडिया और। ओके मुराद जी, योर फेवरेट प्लेयर, माई फेवरेट प्लेयर वॉज यूसुफ पठान, बट आई थिंक नाउ ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सो दैट्स वाई आई एम नॉट फॉलोइंग हिम लॉट। और अगर हम बात करें कि ए बी डिविलियर्स, कुशल जी अगर हम ऑल टाइम फेवरेट बात करें तो ऑल टाइम फेवरेट में मेरे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। एक तो एडम गिलक्रिस्ट हैं जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं, बट नाउ ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि यू नो रिसेंटली अभी खेल रहे हैं। इंडिया वेस्ट इंडीज़ कौन विन होगा भाई? इंडिया वेस्ट इंडीज़ में भाई मुझे लगता है इंडिया
अच्छा करेगी इस मुकाबले में, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। सो यहाँ पे इस मुकाबले की बात करें, 4 ओवर 2 गेंदे हो चुकी हैं और 4 ओवर 3 गेंदे 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे रोहन मुस्तफ़ा यहाँ पर आउट हो गए। और पहला जो विकेट निकाला था यहाँ पे, अगर हम बात करें, किंगमा ने पहले ओवर में ही पहला विकेट निकाला। जैसा कि मैंने बताया था, आप किंगमा को ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में, तो किंगमा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, अगर जिन जिन लोगों ने मेरे कहने पर लिया होगा किंगमा को। इसके अलावा अगर हम बात करें शाहरुख खान भाई, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और गेम स्टार्ट होने वाला है, जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का गेम स्टार्ट होने वाला है 7 बजे से। ओके, योर फेवरेट रहमान खान जी, ओके योर फेवरेट इज़ जेसन रॉय। या जेसन रॉय इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, आई विल से द वे ही प्लेड इन रिसेंटली वर्ल्ड कप, लॉट ऑफ आई मीन काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे फेवरेट प्लेयर डेफिनेटली बन गए होंगे अगर हम बात करें जेसन रॉय की। और जिन जिन लोगों ने गाइस सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। तो 4 ओवर 4 गेंदे हो गई हैं और 43 रन बिना किसी विकेट के नुकसान, 1 विकेट के नुकसान पे। जो नए बल्लेबाज हैं यहाँ पे, गुलाम शब्बीर आए हैं, जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं मेरे ख्याल से। अब प्रवीण जी का कहना है, आई एम सॉरी प्रवीण जी, आई हैव सीन योर चैट वेरी लेट, सो ही इज सेइंग यूएई विन 10,000। सो या लेट्स सी भाई, आई विल प्रे दैट बोथ ऑफ दिस टीम्स डज वेल एंड दे कम इन द T20 वर्ल्ड कप विच इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर। ओ आई एम सॉरी, दिस ईयर इट्स 2019, सो नेक्स्ट ईयर विच इज़ गोइंग टू हैपन। आई विल सपोर्ट बोथ ऑफ दिस टीम बिकॉज I want to see this both teams. One is UAE, they are a very good side if we talk about in Asia, and Netherland is also a very good team. It's just that beech mein ki team thodi si kharab ho gayi thi, lekin now they are playing well. Okay, it's 4.5 gende ho gayi hain, 44 run 1 wicket ke nuksan pe, aur kafi acha start mila agar hum baat kare yahan pe UAE ki to. Aur गाइज़, आप लोगों का क्वेश्चन है, प्लीज़ यहाँ पर अपने अपने चैट में आप बता सकते हैं इस चैट में कौन आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं। और लेट्स सी कितने लोग, पक्का इंडिया विल, हाँ मुराद जी डेफिनेटली इंडिया इज़ गोइंग टू विन दिस गेम, द फर्स्ट गेम, आई विल टेल यू अबाउट दैट एज वेल, आई विल बिकॉज या डेफिनेटली मुराद जी, आप अगर बैटिंग कर रहे हो तो इंडिया के ऊपर लगा लो, डेफिनेटली 200% इंडिया जीतेगी मुकाबला। वेस्ट इंडीज़ के पास अगर आप देखेंगे तो उनके पास जो आंड्रे रसल थे वो अब नहीं खेल, उन्होंने अपने पहले ही बैकआउट कर दिया कि मैं नहीं खेल रहा T20 सीरीज़। वेस्ट इंडीज़ विन, ओके सो फराबी अहमद सेज वेस्ट इंडीज़ जीतेगी, ओके लेट्स सी। विकास जी का भी कहना है वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीतेगी, ओके इमरान जी डेफिनेटली UAE, आई विल प्रे टू गॉड दैट UAE गोइंग टू डू वेल इन दिस गेम। सारे बैट्समैन अच्छे हैं उनके, पूरन इज देयर, या ब्रदर आई विल टेल यू दी प्लेइंग 11 फॉर दैट मैच एज वेल विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इन इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़। एंड एनी वन ऑफ यू जस्ट जॉइंड इन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। ग्लोवर विल टेक, ओके ग्लोवर लेट्स सी, इट्स 5.1 ओवर्स और 44 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पे, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर हम बात करें यहाँ पे टीम्स की तो। और दोनों ही प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा करा है, पहले जब स्टार्ट हुआ था रसल है टुडे वेस्ट इंडीज़ विन, रसल इज़ नॉट प्लेइंग ब्रदर, स्पॉट UAE लिविंग इन, ओके चिन्मय वेलकम टू माई ब्रॉडकास्ट ब्रदर। एंड इमरान बी डी से 666, ओके लेट्स सी 6-4 6-4 6-4 एंड इट्स 5.2 ओवर्स एंड देर इज जस्ट, इट्स 44 रन्स, जस्ट लॉस ऑफ 1 विकेट। अशफाक अहमद इज़ प्लेइंग 32 रन्स, ही हैज़ स्कोर्ड 21 बॉल्स, 7 बाउंड्रीज एंड नो सिक्सेस टिल नाउ। Brendan Glover is bowling now. Let's see how many he can he take any wicket or not. Okay, Sikander Zulfiqar. Yeah, Abhijit, I think Sikander Zulfiqar and one more Zulfiqar they have. I didn't remember the name of that person, but they have a good players like Zulfiqar and a lot of players like that.
And any one of you who has not subscribed my channel, please subscribe to it and press the bell icon as well. India is going to bowl first, and Murad says out. And if we talk about that game, in 3 minutes they're going to start. John Campbell is there. Evan Lewis is a very good prospect for this game. Nicholas Puron is there. Shimron Hetmeyer. Kyron Pollard is there. Roman Powell. Carlos Brathwaite. Sunil Narayan. Kirim Kim. Opposite Sheldon Cottrell. Sikhar Dhawan. Rohit Sharma. Virat Kohli. Manish Pandey. Rishabh Pant. Krunal Pandya. Ravindra Jadeja. Ravuneshwar Kumar. Washington Sundar. Navdeep Saini. And Khalil is there. Okay, so if Arabi in Bangladesh say ho UAE win. Okay, brother, let's thank you so much for joining me from Bangladesh. And let's go UAE, you guys are doing well. It's 5.4 overs, 53 runs. And if we talk about this game right now, Ghulam Shabber is playing in 7 runs, just faced 4 balls. If we talk about Ashfaq, he's also playing well in 35. He has scored 35 runs in 22 balls. And so if we talk about Brendan Glover, he has bowled 1.5 overs and 17 runs. So they are doing well till now. Let's see what's gonna happen. It's 5.5 overs now. They have this over Ghulam, if we talk about Ghulam Shabber, he hit a very good shot and that was for a 6. Okay, why Russell playing in global T20? If he's brother Amit ji, yahan pe Russell yahan pe chotil nahi hai. Let me tell you, he don't want to play cricket for West Indies because they don't get paid on time. And Sagar ji, definitely I think so. Agar jada score ban gaya to Myburgh ko marna padega. Mustafa ne bhai 7 run banaye, 7 ya 8 run banaye. For ABG, don't worry. I mean, you can predict, there is no problem at all. You can predict anything. You can predict India or West Indies. That's up to you. It's okay if India win or lose, that doesn't matter. But it just matters that, I'll tell you later. Okay, Govind says 8 only. And India versus Lai. Nazmi Akhtar says, who win? I think Nazmi, if I talk about this game is going to win by UAE. I will say Netherland. That's my prediction, which I predicted earlier. So I will go with Netherland. Chinmoy Golder says, please to match scoreboard commentary. Definitely, brother, don't worry. I will tell you the commentary for that match as well. But I will tell you, but I will be here only on this game. हाँ भाई, definitely for ABG आप देख सकते हो. And Rahul brother, if I talk about this game, I think Netherland is going to win this game. That's my prediction, guys. You guys can predict in the comment section what you guys think, that who is going to win this game. And in India's match, if we talk about in India's match, they have a good players. They have tried some new players like Navdeep Saini and a lot of good players. And there is Ravindra Jadeja is there, Bhuvneshwar is there, Washington Sundar. But I am very surprised that they have not picked up, what do you say, what's his name? I'm very surprised that they have not picked Mohammad Shami. I mean, I don't know why they have not picked Shami, but they should have been picked Shami as well. So let's move on to this game, guys. We will go on that game later on, but right now, okay, Amit Pandey, he's playing. If you joined my channel from the beginning, you should have been got the playing 11, because I have updated the playing 11 half an hour ago. Okay, it's 56 runs in just 6.3 balls, and they're playing really well, I will say. And ki jeetbe. Okay, Habib, I think Netherland jeetbo. Tomake ki lage ki jeetbo. 6 over 4 gende ho gaye 57 run, 1 wicket ke nuksan pe, guys. Ye hai scorecard abhi tak ka is muqable ka.
और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है ये, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पे यूएई की साइड, 6 ओवर 5 गेंदों में 57 रन बना चुके हैं, और अशफाक अहमद अभी भी खेल रहे हैं 24 गेंदों में 36 रन बनाकर। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पे अभिजीत अभी का, डू जुल्फिकर और सिकंदर बोल। सी जुल्फिकर, आई हैव सीन हिम बोलिंग एंड सिकंदर, आई डोंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट सिकंदर, बट जुल्फिकर विल डेफिनेटली बोल। नाजमी अख्तर सेज हु विल हु विन ब्रो। नाजमी, आई मीन माई प्रडिक्शन इज विद, आई विल से नीदरलैंड, एंड वट डू यू थिंक हु इज़ गोइंग टू विन दिस गेम? एनी प्रडिक्शन गाइज, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एज आई टोल्ड यू दैट वन ऑफ यू विल गेट 500 पेटीएम कैश, सो प्लीज़ प्रिडिक्ट। सो इट्स 6-7 ओवर्स गॉन एंड 61 रन्स, जस्ट लॉस ऑफ 1 विकेट। एंड इफ यू टॉक अबाउट नीदरलैंड वॉन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, सो आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर दैट वाई दे इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। दे शुड हैव बीन, आई विल से दे शुड हैव बीन गॉन विथ, यू नो। हबीब सेज के विन के, ओके लेट्स सी ब्रदर हु इज़ गोइंग टू विन दिस गेम। चलिए, यहाँ पे 61 रन बन चुके हैं 7 ओवर की समाप्ति के बाद, यहाँ पे 8वां ओवर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, और 8वां ओवर यहाँ पे सकीब जुल्फिकर आने वाले हैं गेंदबाजी करने के लिए। जैसा कि अभी बात हो रही थी, साकीब या फिर सिकंदर में से कोई गेंदबाजी करता है, तो साकीब यहाँ पे गेंदबाजी करने आ चुके हैं भाई, और साकीब ने पहली गेंद पे एक सिंगल दिया है, और उनके साथ स्ट्राइक पे हैं यहाँ पे सामने जुल्फिकर से। हाँ जी, ये जुल्फिकर हैं। तो यहाँ पे पहला विकेट भी गिर गया है भाई। अगर हम बात करें दूसरे मुकाबले की, तो जो जो इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला हो रहा है, और पहला विकेट जो गिरा है वो कृणाल पंड्या ने लिया है। चलिए, अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 62 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। काफ़ी अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही टीम की ओर से। अमित जी, अगर हम एशेज की बात करें, तो एशेज मेरे ख्याल से इंग्लैंड ही, इंग्लैंड नहीं है, आई विल गो विथ ऑस्ट्रेलिया, आई विल नॉट गो विथ इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया, दे हैव अ गुड चांस टू विन द वर्ल्ड कप, दैट्स माई प्रिडिक्शन। यू गाइज कैन प्रिडिक्ट एनी थिंग, वट यू गाइज फील लाइक, बट आई थिंक दे आर द वन हु इज़ गोइंग टू विन दिस गेम। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड की भी अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है, इट्स नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है। ओके, सो इंडिया, ओके ब्रदर, तो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हो रहा है अभी फ़िलहाल, आई थिंक 5 गेंदों पे 1 रन गिरा है, और शिमान अनवर प्लेइंग 11 में है या नहीं। शिनवान अनवर ब्रदर, आई हैव टू चेक आउट, आई विल चेक आउट एंड आई विल लेट यू नो वेदर शिमान इज़ प्लेइंग और नॉट। आई हैव गिवन यू दी प्लेइंग 11 इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, दे वेयर यू कैन चेक आउट शिमान इज़ प्लेइंग और नॉट। ओके, इट्स 7.5 ओवर, 61 रन्स, जस्ट लॉस ऑफ 1 विकेट, सो आई विल से दे हैव, दे आर डूइंग वेल। एंड समबडी हैज़ केम टू माई ब्रॉडकास्ट अर्लियर ऑन एंड दिस सेड दैट या यू आर राइट अमित भाई, दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर ऑन, दैट इन फर्स्ट ओवर दे पिक्ड अप द मेन प्लेयर, दैट्स जॉन गैम्बल। आई विल नॉट से जॉन इज मेन प्लेयर, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। ओके, सो 8 ओवर की समाप्ति हो गई है गाइज, 8 आफ्टर 8 ओवर, 69 रन, जस्ट लॉस ऑफ 1 विकेट। एंड द अदर गेम विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, दैट्स 6 ओवर्स, 1 ओवर, 6 रन्स एंड 1 विकेट इन इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज। इफ यू टॉक अबाउट Evan Lewis against India, the way he played, if we talk about last year or maybe couple of years back, he has scored couple of centuries. If you guys remember, he has scored in 2016 100 runs in just 49 balls, and in Kingston he has scored 125 in just 62 balls. Okay, now it's 8.1 over here in UAE and Netherland game.
69 runs, just loss of one wicket. And anyone else have any questions, guys? Please let me know in the comment section. You guys can see it here. It's just 8.2 overs, 69 runs. Ashfaq is playing, and he has another boundary by Ashfaq. That's a brilliant shot, I will say. The way he played this shot, that was just amazing. Full on off stumps, he drives this uppish, one bounce to the cover boundary. So ये शॉट ऊपर से मारा है कवर के, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है अगर हम बात करें तो. रहमान जी, डेफिनेटली आई थिंक यू ए गोइंग टू स्कोर समवेयर 180 और 170, दैट्स माई प्रडिक्शन. एंड हाउ आर यू ए प्लेयर्स इन बॉलिंग डिपार्टमेंट? ओके अमित भाई, अगर हम बात करें गेंदबाजी की, इफ़ यू टॉक अबाउट बॉलिंग ऑफ यू ए, दे हैव अ गुड बॉलर्स लाइक दे हैव मोहम्मद बूटा एंड दे हैव मोहम्मद नवीद हु इज़ द कैप्टन ऑफ यू ए. सो दीज आर द प्लेयर्स दे हैव. I'll say they have a good, you know, bowling lineup as well. It's not like they only have a good batting lineup. They also have a good bowling lineup as well. In batting lineup, if I will say Rohan Mustafa is the key. But today, if you talk about this game, Ashfaq is doing really, really very well. So, it's 9 overs gone, 77 runs, just loss of 1 wicket. I'll say they are playing really, very well. So how many, what do you guys think that how many they can score from here? क्या लगता है guys, आप लोगों को कितना run बन सकता है यहाँ से इस मुकाबले में here UAE का? Please let me know in the comment section guys if anybody is active here. Okay, Mamit says 150, 160. Okay, my prediction is somewhere 170 to 180. That's my prediction guys. Netherland 180 chase. Okay, Ravi Chaudhary, yeah, definitely they can score even 200 as well because they have a very good players like Stephan Myburgh. He is just an awesome player if you talk about him, and they have Max ODowd who played really amazingly if you talk about that game, because the way he played in that game, that was just amazing. I think India and West Indies game is not coming live. That's why people are searching. And okay, it's 9 overs gone, 77 runs. Cooper is playing, brother. Ben Cooper is playing. And Rahman says 160 to 180. So how many of you guys want to see the live commentary of this game, and how many of you want to see the live commentary of other game? Please let me know in the comment section guys. If you want to watch the live commentary of other game, I will come online again. So it's 9.1 over 71 runs and loss of just one wicket. I'll say they are playing really very well here. तो कौन सी गेम का रवि जी, इस गेम का या फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज वाले गेम का? बॉलिंग राइट नाउ I'll say सिकंदर जुल्फिकर इज बॉलिंग. ओके सो बोथ, अगर हम बात करें, अभी बाली बात हो रही थी कि जुल्फिकर गेंदबाजी करते नहीं हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, तो भाई यहाँ पे दोनों जुल्फिकर गेंदबाजी करते हैं. अभिजीत जी, 9 ओवर 2 गेंदे हो गई हैं, 82 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे. ओके थैंक यू भाई, इसी में करेंगे. अंश राज, वेलकम टू माई ब्रॉडकास्ट ब्रदर. एंड चलिए, 82 रन बन चुके हैं, 9 ओवर 2 गेंदे की समाप्ति हो गई. अशफाक अहमद की अगर, हाँ प्रकाश कुपर, हाँ है कुपर है भाई, डेफिनेटली कुपर है, मैं कह रहा हूँ कुपर है आपको. और तो यहाँ पे दूसरा विकेट गिर गया है, यहाँ पे जुल्फिकर सिकंदर जुल्फिकर ने दूसरा विकेट अशफाक अहमद को आउट कर दिया. इन्होंने 54 रन बनाई, 35 गेंदों का सामना करा, 11 चौके लगाए और 154 का स्ट्राइक रेट है. तो यहाँ पर दूसरा विकेट गिर गया है अगर हम बात करें इस मुकाबले की. तो वेस्ट इंडीज़ का भी यहाँ पे कह रहे हैं रवि जी कि 2 विकेट गिर गया है. रवि जी, कौन से मैच, कौन से चैनल पे लाइव आ रहा है बताओगे एक बारी? इंग्लैंड हैव गुड चांसेस ऑफ विनिंग फर्स्ट मैच एज दे हैव लीड. डेफिनेटली ब्रदर, आई थिंक सो दे हैव अ वेरी गुड चांस, एंड द वे दे प्लेड क्रिकेट. बट आई थिंक फॉर मी, आई मीन दैट्स माई प्रिडिक्शन, दैट्स माई व्यूज, दैट्स हाउ आई सी क्रिकेट. I will say this game, I mean this cricket, I mean Ashes, if we talk about, I'll go with Australia this time. Okay, Israr Warsi says
इंस्टेंट ऑल राइट थैंक यू ब्रदर रविचंद चौधरी जी कह रहे हैं सोनी 10 अच्छा जी थैंक यू सो मच भाई उसके लिए 9 ओवर 3 गेंदें हो गई हैं 82 रन 2 विकेट के नुकसान पे कुमार जी का कहना है आउट हो गए जी हाँ आखिरी गेंद पे आउट हुए हैं आप अगर हम बात करें गुलाम शब्बीर स्ट्राइक पे और अगले जो बल्लेबाज हैं गाइस रमीज़ शहजाद हैं और गेंदबाजी जो अभी कर रहे हैं वह हैं सिकंदर जुल्फिकर ने 3 गेंदें करी हैं और 5 रन देकर 1 विकेट निकाला है तो काफ़ी अच्छा अगर हम बात करें इस मुकाबले की डेफिनेटली आमेद राजा बैट्समैन आई थिंक जस्ट लेट मी सी अहमद राजा रमीज़ राजा या फिर अहमद राजा भाई क्योंकि यहाँ पे सुल्तान अहमद आएंगे इसके बाद रमीज़ शहजाद आएंगे उसके बाद मोहम्मद उस्मान आएंगे मोहम्मद बूटा आएंगे मोहम्मद नवीद आएंगे अहमद राजा हैं जो कि गेंदबाज है भाई तो इसरार जी का कहना है एक विकेट इंडिया और वेस्ट अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 का जो मुकाबला गिर खेल रहा है उसमें भी गिर गया है और राइट सो 9 ओवर 5 गेंदें हो गए 83 रन अब मेरे ख्याल से यहाँ पे स्कोर्स पे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है अब थोड़ी सी धीमे बल्लेबाजी होगी पिछले जैसे कि बल्लेबाजी करता अशफाक अहमद वैसे आई डोंट थिंक सो नाउ दे आर गोइंग टू प्ले तो एक बार चलिए मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ 10 ओवर की समाप्ति हो गई है 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे यूएई अब तो ये स्कोर कार्ड गाइस देख सकते हैं आप एक बारी शब्बीर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी भी और वो कर रहे हैं 18 रन पे 16 गेंदों का सामना किया एक छक्का और एक चौका लगाया है ब्रेंडन ग्लोवर यहाँ पे 11वां ओवर फेंकने आए हैं 2 ओवर में 18 रन दे चुके हैं कोई विकेट नहीं लिया सिकंदर जुल्फिकर ने 1 ओवर में 6 रन दिए हैं और कोई विकेट 1 विकेट लिया है उन्होंने अगर हम बात करें रमीज़ शहजाद की तो उन्होंने एक गेंद खेली और कोई रन नहीं बनाया इसके अलावा अगर हम बात करें 2 प्लेयर्स की जो कि आउट हुए थे 2 प्लेयर्स में अशफाक अहमद 54 रन बनाए यहाँ पे 35 गेंदों का सामना किया और 11 चौके लगाए रोहन मुस्तफ़ा ने 8 रन बनाए 9 गेंदों का सामना किया उन्होंने 1 चौका लगाया गुलाम शब्बीर की बात करते हैं यहाँ पे 18 रन बनाए 16 गेंदों का सामना किया 1 चौका और 1 छक्का लगाया चलिए अब लाइव पे चलते हैं एक बार फिर से यहाँ पे और आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं क्या हैं आप लोगों के कमेंट्स माधुराई पैंथर के 2 विकेट हो गए ओके भाई थैंक यू फॉर दी अपडेट्स तो यहाँ पे 10 ओवर 1 गेंद हो गई है अगले ओवर जो ब्रेंडन गेंदबाजी करने आए हैं जी भाई कुमार राय जी 2 विकेट हो गए इसी वजह से आई डोंट वांटेड टू कंटिन्यू विद दैट गेम बिकॉज ईदर विच वे इज़ द वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू विन लॉस दैट गेम बिकॉज द वे इंडियंस प्ले क्रिकेट So now the next batsman has came in the other game that's Kyron Pollard and Nicholas Puran is batting. Nicholas is batting on 14. India A or West Indies A Craig Brathwaite captain. Okay, bhai. Or any question, guys? Before we continue more, like, and if you guys have just joined, please. Subscribe to my channel if you guys have not subscribed it please subscribe and press the bell icon as well if you guys want update love you brother too Sukhdev ji it's now 10.2 overs just loss of 2 wickets अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बल्लेबाजी करने आ चुका है एशेज की 2 ओवर हो चुके हैं 5 रन बने हैं और इंग्लैंड 374 रन बनाकर ऑल आउट हो गया था पहली इनिंग्स में अंशराज जी आई थिंक दिस इफ यू टॉक अबाउट दिस गेम आई थिंक नीदरलैंड इज गोइंग टू विन दिस गेम एंड दैट्स माय प्रेडिक्शन ब्रदर व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू विन दिस गेम शाइन पीपल बॉय सेज बॉलिंग रिपोर्ट कार्ड भी दिखाओ ओके शाइन जी मैं आपको बॉलिंग रिकॉर्ड का अब रिपोर्ट कार्ड बताता हूँ किसने क्या करा है अभी तक बॉलिंग में अगर हम बात करें तो ब्रेंडन ग्लोवर यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं 2 ओवर 3 गेंदों में 23 रन दिए हैं उन्होंने 2 ओवर 4 गेंदों में 24 रन और एचसी ओवरडिज की बात करें तो 2 ओवर में 24 रन उन्होंने दिए हैं किंगमा ने 2 ओवर में 12 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है पीटर सेलर ने 2 ओवर में 15 रन दिए हैं और
कोई विकेट नहीं लिया है। सकीब जुल्फिकर ने एक ओवर में 8 रन और कोई विकेट नहीं। सिकंदर जुल्फिकर ने भी एक ओवर में 6 रन दिए हैं और एक विकेट निकाला है। तो ये रहा सलमान जी जो दूसरा विकेट निकालते हैं, यहाँ पर सिकंदर जुल्फिकर ने निकाला था। चलिए यहाँ पे 10 ओवर 4 गेंदें हो गई हैं, 89 रन्स। और राइट रवि चौधरी जी डेफिनेटली भाई उसका भी अपडेट देते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं 101 रन बन चुके हैं 13 ओवर की समाप्ति के बाद मदुरई पैंथर्स के, 2 विकेट गिर चुके हैं। मदुरई पैंथर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, नीदरलैंड से यहाँ पे बना चुके हैं 84 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर 2 गेंदे हो चुकी हैं। इंडिया और वेस्टइंडीज़ का मुकाबला 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे है। सो दिस इज़ द थर्ड विकेट, थैंक यू सो मच। तीसरा विकेट भी यहाँ पे गिर चुका है अगर हम बात करें यूएई की तो। और अब थोड़ा सा आई थिंक स्कोर कार्ड जो है थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नाउ दे डोंट हैव गुड प्लेयर्स। आई विल से दे हैव प्लेयर्स लाइक मोहम्मद नवीद इज़ गोइंग टू बैट नेक्स्ट, ही इज़ अ गुड प्लेयर आई विल से। जो आखिरी विकेट बता दूँ आपको, ब्रेंडन ग्लोवर ने यहाँ पे एक विकेट निकाल ही दिया फाइनली। मुझसे किसी ने पूछा था कि तीसरा विकेट किसने लिया, भाई ब्रेंडन ग्लोवर ने लिया है भाई, मुबारक हो। नेक्स्ट बैट्समैन सुल्तान, नहीं नेक्स्ट बैट्समैन मोहम्मद नवीद भाई। और नहीं रवि जी वेंडरमर अभी नहीं है, वो खेल रहे हैं नेट वेस्ट T20 ब्लास्ट में। तो द नेक्स्ट बैट्समैन इज मोहम्मद नवीद, ही इज़ द कैप्टन ऑफ यूएई टीम। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट स्टिल नीदरलैंड कैन स्कोर समवेयर 160? कितने लोगों को आप लोगों को लगता है कि 160 बना सकती है यहाँ से भी यूएई की टीम? मोहम्मद नवीद अभी अभी खेलने आए हैं अगर हम बात करें तो। अगर रमीज़ शहजाद की बात करें, 3 गेंदों में 1 चौका लगाया और 5 रन पे खेल रहे हैं। सुखदेव जी का कहना है यस, ओके लेट्स सी ब्रदर आई एम विथ यू। आई थिंक दे हैव गुड प्लेयर्स, मोहम्मद नवीद इफ ही प्लेज फॉर अनदर 5 to 6 ओवर्स डेफिनेटली दे कैन स्कोर मोर देन दैट। जी हाँ मुझे भी लगता है 140 से 150 तक बन जाएगा रवि जी, उससे ऊपर ही बनेगा आई थिंक। द वे इफ मोहम्मद नवीद अगर चल जाते हैं, सॉरी मोहम्मद उस्मान आए हैं बल्लेबाजी करने, नवीद को नहीं भेजा गया, आई थॉट नवीद आएंगे बल्लेबाजी करने, लेकिन मोहम्मद उस्मान आए गाइस बता दूँ। और पहली गेंद पे कोई रन नहीं, 11 ओवर की समाप्ति हो गई है, 89 रन 3 विकेट के नुकसान पे है। एग्जैक्टली सुखदेव जी, ओपनर जो है इनके काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं अगर हम बात करें तो, क्योंकि रोहन मुस्तफ़ा इज़ जस्ट ऑसम। और रोहन मुस्तफ़ा के अलावा अशफाक अहमद जो कि आज काफ़ी अच्छा प्लेयर है उन्होंने करा। ओके T20 ब्लास्ट खेल रहा है, या T20 ब्लास्ट ही बताया था मैंने दिप्यान जी। और यहाँ पे क्वेश्चन है अमित जी का, हाउ आर नेपाल प्लेयर्स प्रो, व्हाई वाज देम प्लेइंग T20 क्वालिफायर्स इन सिंगापुर, ऑल आर टैलेंटेड। या आई मीन अमित, इफ वी टॉक अबाउट देम, आई हैव फॉलोड देयर गेम्स आई थिंक इन दी T20 क्वालिफायर्स, दे प्लेड रियली वेल एंड फ्यू ऑफ द प्लेयर्स हैव वेरी गुड चांस टू ग्रो अप इन आई मीन इन इंटरनेशनल अरीना, मे बी इफ नेपाल कम्स इन फ्यूचर definitely few of those players definitely I think they have a good side I would say all in all। Sukhdev ji ka 50 plus partnership, ji haan mere khayal se agar yahan pe 50 plus partnership ho gaya to definitely acha ho jayega। Aur Madurai ka score, okay Ravi ji agar Madurai ki score baat kare to yahan pe 13 over 4 gende ho gayi hain, let's check 13 over 5 gende 107 run 3 wicket ke nuksan pe। कौन बॉलर है, बॉलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेंडन ग्लोवर गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन अभी सकीब जुल्फिकर गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 ओवर 4 गेंदों पे 11 रन दिए हैं। सुखदेव जी मैं यूपी से हूँ और इसरार जी 103 पे 2 टारगेट कितना। मुराद जी अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो जो टारगेट मुझे लगता है आप यहाँ से 140 150 या फिर 160 के करीब बन सकता है, 140 और 160 के बीच में बनेगा भाई टारगेट कितना हो सकता है सुखदेव जी। एग्जैक्टली 4 or 5 प्लेयर्स आर वेरी गुड। ऑल राइट सो यू फ्रॉम हरियाणा, वेयर इन हरियाणा लाइक विच प्लेस?
और सो इट्स 12, 12 ओवर हो चुके हैं यहाँ पे। 12 ओवर के बाद 94 रन और 3 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे अमित भाई 13 रन पे 1 विकेट। ओके फरेबी अहमद जी, आई थिंक आई विल से या आई थिंक समवेयर 150 एंड 160 नॉट बी अ गुड स्कोर आई विल से। मे बी दे कैन विन इफ दे हैव टू बॉल रियली वेल, बिकॉज दिस प्लेयर्स आर वेरी गुड प्लेयर्स आई विल टॉक अबाउट। और राइट सुखदेव जी, 26 साइड यूपी, TNPL कौन जीतेगा? मदुरई है। अगर TNPL की बात करें, मुझे लगता है मदुरई है फाइनल डेफिनेटली जीतेगी इस बार का। वार्नर गॉट आउट इन ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स, सो फाइनली वार्नर स्कोर्ड। आई थिंक आई मेड हिम कैप्टन बट ही डिडंट डू एनीथिंग। ही कॉट बाय बेयरस्टो, ही स्कोर्ड 8 रन्स अगेन, 8 एंड 8, बोथ इनिंग्स 8 8 रन्स। एंड मदुरई 3 विकेट। ओके कमार खान सेज मदुरई 3 विकेट, या ब्रदर यू आर राइट, इज नॉट गुड। वेल ही वॉज इन अ वेरी गुड फॉर्म इन IPL इफ यू टॉक अबाउट ब्रदर। 3 विकेट ही था रवि भाई। अब कौन बॉलिंग कर रहा है? अंकित जी, अगर हम अभी हम गेंदबाजी की बात करें तो अभी यहाँ पे पीटर सेलर गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 ओवर 2 गेंदों में 15 रन दिए इन्होंने। और रमीज़ शहजाद ने 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना कराया और 1 चौका लगाया यहाँ पे रमीज़ शहजाद ने। और अगर हम बात करें मोहम्मद उस्मान की तो 1 रन बनाकर खेल रहे हैं 4 गेंदों पर। और अगर हम बात करें अंकित की तो रवि सेज निकलस पूरन आउट। ओके निकलस पूरन जी यहाँ पे आउट हो गए हैं। अमित जी का कैप्टन है स्मिथ, तो अमित जी आपने कितने रुपए जीत लिए यहाँ पे? आई मीन कौन से रैंक पे चल रहे हो अभी फ़िलहाल, अगर स्मिथ को आपने कैप्टन बनाया तो? क्योंकि ब्रॉड ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है इस मुकाबले में, जो पहला विकेट निकाला उन्होंने ही निकाला है। मे बी सुखदेव जी, इंडिया कैन विन दैट गेम बाई 10 विकेट्स बिकॉज द वे दे प्लेइंग एंड द वे वेस्ट इंडीज़ इज़ प्लेइंग। फ्यू ऑफ द प्लेयर्स, इफ़ वी टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज़ शुड गिव देयर यू नो मनी ऑन टाइम टू देयर प्लेयर्स, देन ओनली दे आर गोइंग टू प्ले। एंड देयर टीम इज़ वेरी गुड इन T20s बट दे आर नॉट प्लेइंग वेल। आई थिंक सैमी के, अगर डैरन सैमी की बात करें, अगर आपको याद होगा डैरन सैमी ने 2 2 वर्ल्ड कप जीता है, उनके संन्यास लेने के बाद उनकी टीम कुछ नहीं रही, कैप्टन उन्होंने बना दिया पता नहीं कौन से प्लेयर को, कार्लोस ब्रैथवेट ने जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया बिना मतलब का उनको कैप्टन बना के रखा अभी भी। स्मॉल लीग खेल रहा हूँ, विनिंग जोन। ओके भाई 4 गए मदुरई अपडेट, स्मिथ कैप्टन बट रोरी आर नॉट इन माई टीम। ऑल राइट काफ़ी लोग कह रहे थे गोविंद जी की वेस्ट इंडीज़ जीतेगी बट दे आर नॉट आई थिंक ऑन हियर। एंड वेस्ट इंडीज़ के 4 विकेट हो गए, हेटमायर भी चला गया। वेस्ट इंडीज़ वालों से जाकर पूछ लो लो क्या वेस्ट इंडीज़ वालों की हालत पंचर है। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ कांट बीट इंडिया नाउ। आई मीन एक आध गेम हो सकती है कि जहाँ पे इंडिया को हरा जाए, लेकिन हर मुकाबले में आई डोंट थिंक सो दे कैन बीट इंडियन टीम। ओके इट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। इट्स 95 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 12.4 ओवर्स। रमीज शहजाद इज़ प्लेइंग 9 रन्स 9 बॉल्स। मोहम्मद उस्मान इज़ प्लेइंग इन 2 रन्स इन 5 बॉल्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वालों से जाकर पूछो, गेल थर्ड। ओके आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट गेल आए तो चांस है। भाई रवि जी, अब तो गेल ने भी संन्यास ले ही लिया है। अफरान रोनी सेज भाई UAE गेम जीतबो। वेल आई थिंक भाई UAE जीतबो ना, एटा नीदरलैंड जीतबो। विच चैनल इज मैच गोइंग? ओके एनी बिग हिटर इन UAE नाउ? या दे हैव नवीद, मोहम्मद नवीद इज़ अ गुड प्लेयर, मोहम्मद बूटा इज़ देयर एंड देर आर मैनी प्लेयर्स आई थिंक दे हैव हु कैन प्ले रियली वेल।
थैंक यू सो मच दिव्यान चैटर्जी जी. आई मीन आप लोग पूछोगे तो डेफिनेटली आई कैन स्पीक इन बंगाली एज वेल. देर इज़ नो प्रॉब्लम्स विद माई बंगाली. रसोगुल्ला, या डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हैव रसोगुल्ला फ्रॉम बंगाल. लॉस कवर मैच नीदरलैंड स्विंस. ओके लेट्स सी, नीदरलैंड विल डेफिनेटली विन दिस गेम, दैट्स माई प्रडिक्शन. एंड यू गाइज कैन लेट्स सी, इट्स 13.3 ओवर्स, 103 फॉर 3 विकेट्स. एंड मोहम्मद उस्मान इज प्लेइंग नाइसली. एंड मोहम्मद उस्मान एंड रमीज राधा वो दोनों एक एक रन निकाल कर खेल रहे हैं, तो लेट्स गुड. लेट्स सी कितने तक स्कोर जाता है यहाँ पे. तो इसके अलावा बात करें हम उस मुकाबले की जो मुकाबला चल रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, 28 रन और 4 विकेट के नुकसान पे. काइरन पोलार्ड 2 रन पे खेल रहे हैं अभी, रोहमन पावल खेलने आए हैं और 2 विकेट नवदीप सैनी निकाला. फाइनली यहाँ पे मौका मिला था नवदीप सैनी को, यहाँ पे गेंदबाजी करने आए थे. ओके अभिजीत बॉलिंग अभी यहाँ पे कर रहे हैं. अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग यहाँ पे कर रहे हैं ओवरडिक, और 2 ओवर 3 गेंदों में 31 रन दे चुके हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं. और गुड कमेंट्री ब्रो, कीप इट अप, ट्राई टू डू मोर. या चरण, द प्रॉब्लम इज दैट आई ऑल्सो वर्क, सो आई डोंट गेट टाइम फॉर दिस, बट वेन एवर आई गेट फ्री आई डू दिस. बट आई एम श्योर दैट आई विल बी कमिंग लाइव, आई थिंक फॉर नेक्स्ट 1 वीक. आई डोंट हैव एनी वर्क फॉर नेक्स्ट वीक, सो आई विल बी कमिंग लाइव. यू गाइज कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड I'll be covering up all the matches which is going on at one time. Okay, 170 तो होगा. और अफरान से 170 डेफिनेटली भाई, जिस तरह से अभी खेल रहे हैं आई थिंक 7 ओवर में 70 रन तो बनना वेरी पॉसिबल. और नीदरलैंड विन ओपनर फिनिश दिस गेम सैफुद्दीन, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज नीदरलैंड UAE इज ऑल्सो हैव अ वेरी गुड प्लेयर्स. इफ यू टॉक अबाउट UAE, दे हैव प्लेयर्स लाइक मोहम्मद नवीद एंड they have good bowlers. It's not like they don't have good bowlers, they also have a good bowlers. Okay, so Ansraj, thank you so much Ansji. Netherlands have, if we talk about Netherlands, they have players like Stephan Myburgh and unke paas Scott Edwards hain aur Max Doubt jinhone kaafi achhi recently innings kheli thi T10 mein. तो लेट्स सी, नीदरलैंड अमित जी का कहना है हु कुड बी द बैटिंग ऑर्डर फॉर एडवर्ड्स. वेल इफ आई टॉक अबाउट स्कॉट एडवर्ड्स, ही इज़ नॉट गोइंग टू ओपन द इनिंग्स, ही विल प्ले इट मे बी 4 or 5 बिकॉज लेट मी टेल यू हाउ दिस लाइनअप विल वर्क. इफ यू टॉक अबाउट स्टीफन माइबर्ग इज़ गोइंग टू ओपन विद मैक्स डाउड, Sikander Zulfiqar will follow, then Saqib Zulfiqar, Ben Cooper, then Scott Edwards, Pieter Seelaar will come at 7. Okay, Deepyan Chatterjee says too many balls, no balls bowled by this bowler. Which one? Pieter Seelaar or which one? I think now the bowling is being doing with, they're going with right now. Pieter Seelaar is bowling 2.4 overs and he just given 16 runs, so that's a good. Yeah bro, I play PUBG. Dipyan Chatterjee, current bowler. Yeah, Pieter Seelaar is a very good bowler. I mean, he's a good all-rounder, I'll say, because the way he bow, it's done his one more over left. Okay. So, yeah, aapka सुखदेव जी का यहाँ पे कमेंट आया है. तो ये कौन सा कमेंट है भाई आपका, कंजेक्टिव नो बॉल्स. या आई थिंक कंजेक्टिव टू, लेट्स सी हाउ मेनी नो बॉल्स ही हैज बोल्ड इन द लास्ट ओवर. आई थिंक नो रन इन द लास्ट ओवर ही हैजंट बोल्ड एनी नो बॉल. ओके ओवर डिस्क बोल्ड 1-2 नो बॉल्स इन दिस ओवर. In one no ball, there is one white ball, then no ball, and then no ball, and that's a couple of runs. So, okay, let's see now.
It's a 111 for 3 in 14 overs, and I think Pieter Seelaar is going to, I think Hidde Overdijk is not going to bowl the last over. That's my prediction, because he has already given 38 runs and that's too expensive in T20 game if you're bowling for 3 overs. Sukhdev ji, yahan pe 3 wicket gir chuke hain, 113 run hue hain, agar hum baat karein UAE ki to. भाई लाइव मैच कहाँ ड्रीम भाई, यहाँ पर ये मुकाबला आपको कमेंट्री मिल रही है इस मुकाबले की, इसके अलावा आपको और कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा. तो यू कैन जॉइन आवर ब्रॉडकास्ट, वी विल बी कवरिंग अप दिस मैच. चरण से भाई, अगर हम बैटिंग ऑर्डर बात करें एडवर्ड्स की, तो 6 नंबर पे या फिर 5 नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि ओपनिंग की बात करें तो स्टीवन माइकबर्ग यहाँ पे खेल रहे हैं तो वो ओपनिंग आएंगे. रवि जी का कहना है 5 विकेट गिर गए हैं. जी हाँ भाई, 5 विकेट गिर गए हैं और अब तो आई थिंक कोई मैच देखने वाला नहीं है. वो वाला मुकाबला, ये मुकाबला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ मुकाबले से, क्योंकि इंडिया वो मुकाबला 5 या 6 ओवर में जीत जाएगी जिस हिसाब से यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजी कर रही है. तो यहाँ पे 4th विकेट भी गिर गया है. अगर इस मुकाबले की बात करें तो जो आखिरी विकेट गिरा है यहाँ पर, वो यहाँ पर पीटर सेलर ने निकाला है और काफ़ी यू नो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 4th ओवर फेंक रहे हैं. 4th ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर केवल इन्होंने दिए हैं 19 रन और एक विकेट लिया है. दैट्स गुड बॉलिंग. एंड अहमद राजा और मोहम्मद उस्मान, अहमद राजा यहाँ पे बल्लेबाजी करने आए हैं. दिप्यांश चटर्जी का कहना है शहजाद गोनिया ब्रदर, शहजाद गेलो. रूहोल अमीन भाई लाइव नहीं है, नो शहजाद, या एग्जैक्टली राइट. इट्स ओके. यप, बॉलिंग पर कौन है अंकित जी? बॉलिंग अभी पीटर सेलर कर रहा है, ठीक है. रवि जी, मैं यूपी से हूँ, विकेट फॉल इन रेगुलर इंटरवल्स नाउ. वेल सूर्या, लेट्स सी, आई मीन दे आर playing well. I mean the last wicket scored a good innings. If we talk about last wicket, they have added almost, let's see how much they added. Rameez scored 11 runs in 12 balls. He took extra deliveries, I will say. In 12 balls he should have scored somewhere 15 to 16 runs, but I think that's okay. जो नए बल्लेबाज हैं यहाँ पर, डेरियस डिसिल्वा आए हैं जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है. ये पहली गेंद पे सिंगल निकाला है और डिसिल्वा इज़ न्यू प्लेयर, या ही इज़ अ न्यू प्लेयर. ही हैज़ जस्ट प्लेड, नो आई विल से ही हैज़ जस्ट प्लेड, दिस इज़ द फर्स्ट गेम दैट ही इज़ प्लेइंग. मोहम्मद उस्मान हैज़ प्लेड 23 गेम्स एंड ही हैज़ स्कोर 428 रन एंड हिज हाईएस्ट स्कोर इज़ 58. ओके रवि जी, यूपी से अगर हम बात करें तो यूपी में वाराणसी से मैं हूँ. और सो दिप्यान ब्रो, वेर आर यू फ्रॉम? तुम्हार बाड़ी को था है. इट्स 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 15 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे जो स्कोर हुआ है 113 रन 4 विकेट के नुकसान पे. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है 15, और नीदरलैंड ने पहले टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और काफ़ी अच्छा फैसला मैं कहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी शुरुआत मिली थी. और अगर हम बात करें स्टार्ट वैसी कन्वर्ट नहीं हो पाई. चरण सेज हु टेक द विकेट ऑफ शहजाद? शहजाद विकेट टुक बाय पीटर सेलर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं चक्कर में किसी के नहीं था, क्योंकि आई जस्ट हैव लर्न बंगाली बाई माई फ्रेंड्स. आई हैव लॉट ऑफ बंगाली फ्रेंड्स, सो आई नो बंगाली, आई नो तमिल, आई नो तेलुगु, आई नो मलयालम एज वेल. सो इट्स लाइक आई नो सो मेनी लैंग्वेजेस. कानपुर मेरठ एज वेल. ओके वेल आई लिव इन आई से वाराणसी. एंड ओके प्रदीप सेज भाई पूरा स्कोर कार्ड दिखाओ. अब प्रदीप जी, मैं आपको स्कोर कार्ड बता ही देता हूँ, आप ध्यान रख सकते हैं इसका. अगर हम बात करें, मोहम्मद उस्मान 20 रन पे खेल रहे हैं, 18 गेंदों का सामना करा है. और अगर हम बात करें यहाँ पे
अशफाक अहमद ने 54 रन बनाए 35 गेंदों पर, 11 चौके लगाए। रोहन मुस्तफ़ा ने 8 रन 9 गेंदों पर। गुलाम सबीर ने 19 बनाए 19 गेंदों पे, 11 रन बनाए। रमीज़ शहजाद ने 12 गेंदों पे और 20 रन बनाए मोहम्मद उस्मान ने। और डेरियस डी सिल्वा अभी भी खेल रहे हैं मोहम्मद उस्मान के साथ, 2 रन बनाए हैं डेरियस सिल्वा ने। 3 ओवर ब्रेंडन ग्लोबर ने गेंदबाजी करी, 24 रन दिए और 1 विकेट निकाला है। ओवरडिश की बात करें 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। और किंगमा की बात करें 2 ओवर में 12 रन 1 विकेट। पीटर सेलर यहाँ पर 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट लिया उन्होंने। साकिब जुल्फिकर 2 ओवर 2 गेंदों में 20 रन कोई विकेट नहीं। सिकंदर जुल्फिकर ने 1 ओवर में 6 रन दिया और केवल 1 विकेट निकाला। ऑल राइट सो इट्स ओके सो दैट्स फाइनली द अनदर सिक्स से आई मीन अनदर सिक्स इट्स इट इज आई थिंक अनदर सिक्स। तो एक और छक्का यहाँ पे लगाया। अगर हम बात करें आखिरी गेंद जो थी काफ़ी अच्छा शॉट था साकिब जुल्फिकर यहाँ पे मोहम्मद उस्मान को गेंद करते और स्टेप थोड़ी सी आगे निकल के गेंद को सीधा उठा दिया और गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। एनी क्वेश्चंस गाइस, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो वी कैन टॉक अबाउट द दैट एज वेल। एंड किस आप ही नहीं कि बांग्ला बोलते पारें और रोहल आई मीन आमी बोलते पारी बांग्ला बोलते पारी आमी भालो करे बांग्ला बोलते पारी। प्रदीप धायानी जी, अगर हम बात करें 4 विकेट जो निकाले हैं, 1 विकेट यहाँ पे निकाला है पीटर सेलर ने, 1 विकेट निकाला है किंगमा ने, 1 विकेट निकाला है जुल्फिकर ने और 1 विकेट निकाला है ब्रेंडन ग्लोवर ने। तो ये 4 विकेट गए हैं। और 6 सिक्सर या उस्मान जी ब्रदर चरण्स या आई थिंक सो दे कैन स्कोर प्रो प्लीज पुट स्कोर का डाउन ओवर इन नेक्स्ट विजिबल श्योर आई विल डू दैट लेट्स गेट दिस ओवर फिनिश फर्स्ट। 6 अगेन या अगेन इट्स अ 6 दैट्स अमेजिंग शॉट। इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट शॉट द हाउ ही स्कोर्ड Zulfiqar to Mohammad Usman 6 runs low full toss that was he sends this sailing over long on for another 6 this one was slightly bigger than the previous one so it's aur do gende ke baad definitely aapko main bataunga. Sia Mimrod says bowling kon kar raha hai 6 kisne khaya भाई जो अभी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे साकिब जुल्फिकर गेंदबाजी कर रहे हैं 2 छक्के इनके ओवर में लग चुके हैं इस ओवर में। और इसके अलावा क्वेश्चंस गाइस वो लाइव नहीं आ रहा मैं यूट्यूब पर ओके नहीं भाई आप नहीं देख पाओगे। टेक्निकल जी का कहना है यूएई जीतेगी ये मुकाबला। भाई लेट्स सी आई थिंक जो मेरी प्रिडिक्शन रही है इस मुकाबले के लिए वो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नीदरलैंड की ओर से। ओके I'll tell you but you will not able to see the scorecard brother it's 16 overs gone I will tell you the scorecard let's see if you want to see the scorecard this is the scorecard you can see it here from here and you're welcome bhai and yes you are right Dipyan brother because the way Netherland have a very good side if we talk about there and they also have a very good side in bowling as well and this pitch is very good you know all right thank you so much Siam Mimroji तो ये रही स्कोर कार्ड आपने देख लिया और गेंदबाजी भी आपने देख ली। चलिए अब स्कोर कार्ड पे चलते हैं और 128 पे 4 हो चुके हैं तो अब ये रहा आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहम्मद उस्मान राइट एंड अब चलिए बात करते हैं बैलेंस्ड बट देन अगेन इन क्रिकेट एनीथिंग कैन हैपन होप टू सी ग्रेट मैच एंड रिवर्टिंग कॉन्टेस्ट या आई थिंक सो आई मीन एंजॉय टू द चैट डेफिनेटली इट इज़ जस्ट awesome दैट वी आर enjoying it. पिसन हसन says nice. थैंक यू सो मच भाई एंड इट्स 16.1 ओवर्स द नेक्स्ट ओवर हैज़ बिन जो अगले ओवर यहाँ पे गेंदबाजी करने हैं सिकंदर जुल्फिकर आए हैं सो ही इज़ द बॉलिंग द 17th ओवर एंड इन ऑन स्ट्राइक मोहम्मद उस्मान इज़ ऑन स्ट्राइक ही हैज़ स्कोर 27 रन इन 27 बॉल्स
Vandermeer is a big player, but I will say they have covered up with Stephan Myburgh, and they have Max Doubt. He's a very good player, trust me guys, he's a very good player. And Visa and Baresi, yeah, Baresi is a good batsman, he's a very good all-rounder. Usman 50, yeah, let's see. Usman, I will say he is playing well, still they have 4 overs. डेफिनेटली भाई ये मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ से काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है ये वाला. अंकित भाई अभी बॉलिंग, अभी मैंने आपको बताया था सिकंदर जुल्फिकर यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पे आखिरी गेंद पे एक और सिंगल, तो 16 ओवर 3 गेंदें हो गई हैं, 130 रन और 4 विकेट के नुकसान पे. 170 अफरान रोनी सेज देन यूएई विन. I don't think so. UAE is going to win. I think Netherland. I'm with Netherland. That's my prediction. Even if Netherland will lose this game, I will still go with them because that's my prediction. That's the team that which I chose before the toss. 170 Singh AK says good total. 170 is a very good score. I mean, then I can say that UAE can win, but as I told you, if I have picked this team, then I have to go with that team. Either they lose or they win. Upland Naidu says, I think Netherland win this match. Yeah, sure, I think so. Netherland have a very good team. And our friend says, huh, okay. Muraji ka kehna hai, yahan pe Netherland win pakka hogi. Let's see, bhai. Hope for the best. Aur jin jin logon ne yahan pe Dream 11 khel rahe hain, wahan pe उनके प्लेयर्स अच्छे करने चाहिए. आप लोगों में से कितने लोगों ने मैक्स डाउट को ट्राई करा है? अगर आप लोगों ने मैक्स डाउट को ट्राई नहीं करा तो यू आर मिसिंग अ वेरी गुड प्लेयर. ही कैन डू रियली वेल इन दिस गेम बिकॉज द वे ही प्ले क्रिकेट, ट्रस्ट मी गाइस. इफ दिस इज हिज डे देन ही कैन पे आई मीन इफ UAE have to win, they have to pick 2 or 3 wickets in the early. Okay, it's all right. You're welcome, Apla Naiduji. And please, if you have not subscribed, guys, please subscribe to my channel. So in future, whenever I come live, you will get the notification for my videos. So it's 17 overs, 135 runs, loss of 4 wickets in 20 overs. Let's talk about the scorecard now. If I talk about the scorecard, last over bowled by Sikander Zulfiqar, he has now bowled the second over and he has given almost 13 runs in 2 overs. So that's a good stats in T20 match. Ashfaq Ahmed scored 54 runs. He played really well, I would say. And then we have Rohan Mustafa. He scored 8 runs in 9 balls. Ghulam Shabber is there, 19 runs he scored in 19 balls, 1 boundary and 1 6. Rameez Shahzad says he played well, 11 runs in 12 balls. Mohammad Usman 29 in 23 balls, 2 sixes. He's still playing with 1 boundary. D Silva is playing in 7 runs, 7 balls. If we talk about bowling, there is Brendan Glover in 3 overs, 24 runs, 1 wicket. And Overdijk 3 over 38 runs, and Kingma is in 2 overs 12 runs, 1 wicket. Pieter Seelaar 4 over 20 runs, 1 wicket. Saqib Zulfiqar is 3 overs 28 runs, no wicket. Sikander is 2 overs 13 runs and 1 wicket. So that's the game for this one. Ben Cooper is a very good player. अंकित जी अभी जो गेंदबाजी करने आए हैं, मैं बताऊं आपको, पीटर सेलर के तो ओवर ख़त्म हो चुके हैं. किंगमा यहाँ पे गेंदबाजी करने आएंगे और ये दोनों ओवर करेंगे. ये वाला ओवर करेंगे, इसके बाद ये 19वां ओवर भी करेंगे. सो विवियन किंगमा ने 2 ओवर में पहली गेंद पे यहाँ पे चौका लगाया है, लाजवाब शॉट. इफ यू टॉक अबाउट लास्ट बॉल, Kingma was in facing Mohammad Usman was facing Kingma, and that ball has gone for a 4 that was tipping into him. He waits and directs this towards the cover point. So yahan pe dusri gend, yahan pe wide gend, aur
let's see. They have scored 140, so I think they can score from here like 30 runs. So they will be, going up more than 170. What I expected, that they can score somewhere 170 and 160. I think they are going to achieve that 160 and 170. But let's see what's gonna happen in cricket. Anything can happen anywhere, anytime, any place. So. आसिक्स इन्जॉय क्या कहना है चौका जी भाई इसके बाद सिंगल वाइड के बाद एक और सिंगल दूसरी गेंद पे लॉन्ग वन की तरफ मारा था गेंद को और एक रन के लिए एनी वन ऑफ यू हैज जस्ट जॉइन माय चैनल गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो इन फ्यूचर यू विल गेट द नोटिफिकेशन माय वीडियोज एज वेल ऑल राइट So any question guys till now, I mean if you guys have any question please let me know in the comment section and you guys can see they are playing really well here and Naved and Zahur good bowler, yeah definitely they are very good bowler. Arfan says 16 balls and need 29 runs. Okay, so 17.3 overs, 143 runs, just loss of 4 wickets. Now, Dipyan brother, are you still there or you have left the broadcast? Satra over 3 gende ho chuki hai, 144 run, 4 wicket ke nuksan pe UAE yahan pe ballebaji kar rahi hai. Okay, alright. Any question guys you can ask me and if you talk about this game 17.3 overs another wide by Kingma Mohammad Usman I think he's playing well he is playing at 34 in 25 balls 2 boundaries and 2 sixes all right Myburgh fit 50. Yeah, definitely he is a good player, man. Myburgh, I think he is a very attacking player. I do follow women's cricket. I follow England's cricket and Australia cricket. And one more team I follow, that's South African women's team. The best player, I will say, in women's cricket, Amy Jones. See, she was not in a good form in the last series against England. But I will say she is a very fine player. So it's 145 runs in 17.4 overs and loss of 4 wickets. Let's see what's gonna happen. And Elise Perry did really well in this. I will say in this recently when they played Ashes, she took I think 6 wicket in a game. So that was just amazing. She is a good player, but trust me, Amy Jones is more better than her. All right, if we talk about the other game which is going on right now in Florida, Carlos Bradford and Kyron Pollard is playing 10 overs, 45 runs, 5 wickets. And if we talk about this game, it's 17.4 overs, 146 runs, a loss of 147 runs in 18 overs for 4 wickets. Oh, they are bowling really very well in that game. All right. Yeah, I think so. He should get the last over because he bowled really well because he bowled 3 wides and 1 boundary. He has. Okay, I will
promote somebody as an admin here on my YouTube channel. So Dipyan, I'm putting you as a moderator. One of you will be moderator. Anyone else who want to be a moderator, you guys can comment yes or no. I will say Netherland is a batting pitch. Amstelveen is a very good pitch where they can this pitch is they should have been scored at least somewhere 170 runs. At least I think they can score from here as well, but they should have been scored more than 170, but 170 is good, not a bad one. And it's 18 overs now and 147 runs, 4 wicket. And hello Zara Hat ji, namaskar aapka swagat hai mere channel mein. Right, and bhai 19 over kaun karega, 19 over bhai abhi karne aaye hain yahan pe. Agar hum baat kare Brandon Glover is going to bowl this one and the last over is going to bowl by Vivian Kingma. Ankit ji ka kehna not out, next over mein out. Okay, Arfan says 23 runs. Arfan ji ek baat batao, who needs 23 runs, like UAE or? Okay, so if they score 22 more runs, they can get like 170 runs. Okay, that's good predictions. Okay, let's see. I think 170. Yeah, I think so. They're gonna score somewhere 170 or 1. Yeah, 170 is enough, I think. Right now, Brendan Glover is bowling. He has bowled 3.2 overs. And he has given away 26 runs, just loss of 1 wicket. He has took 1 wicket, I will say. For ABG, 165 se upar jane wala, that's, I think, they're gonna score somewhere. Okay, so let's predict here. How many... So, guys, what do you think? How many they can score from here? Mine prediction is 173 runs. Mine is 173, I have commented. You guys can also comment. What do you guys think? How many they can score from here? Okay, Murad says 165, Sai Kumar 167. Alright, brother, 167 to 168. Alright. Arfan ka kehna hai 162 to 170. So mine is the highest. Okay, another boundary, guys, by Mohammad Usman. That was a swinging delivery to the bat, but he has edged that ball and that is boundary back in the keeper's end. So it's 153 now. They need 20 more runs from here if they achieve my predictions. I think that's not possible. Murad 165, Sai Kumar 167, Arfan says 167 to 168, Murad 165, okay. Zara Hat ke kehna hai ki 161, Saina ji ka kehna hai yahan pe 183. By 183 to ab now I don't think so that's possible because it's just 1.4 overs. And let's see, my Surya series says 164. All right brother. Let's see, Khan de Puchke 177. Yeah, exactly, you're right. Nagendra ji ka kehna hai yahan pe 165 run banenge, Rahul ji ka kehna hai 162 ya 164 tak. Netherland win 19.2 overs. Okay, Surya ji, let's see who is going to win one. 165, let's see, 18.5 overs, guys, and it's 4 wicket and 154 runs. So overall they have been played really well. And I talk about this game, Ashfaq has scored 54 runs, Mohammad Usman is playing 42 runs, 31 balls, and Ankit 160. Okay bhai Anshi 162,
ओ डाउट कैसा खेलेगा भाई? प्रतीम जी, डेफिनेटली ओ डाउट इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू स्कोर 50। और भाई प्लीज़ मेक मी मोड। ऑल राइट, चरण सी का कहना श्योर भाई, आई विल मेक यू। नाउ आई एम एक्टिव वॉचर चरण सी। ओके, मी फास्ट में बोला होगा। 165 रन होगा। ओके भाई, देखते हैं 165 होता है कि नहीं होता है। आई थॉट ये विन 220-230 रन, 169। ओके रवि जी, मुझे लगता है अभी भी नीदरलैंड ही जीतेगी। इट डजेंट मैटर इफ यूएई विल स्कोर समवेयर 200 एज वेल, आई विल स्टिल से दैट नीदरलैंड इज गोइंग टू विन द गेम। ओके क्वेश्चन था अभी भाई का कि बॉलिंग कौन कर रहा है। भाई अगर कुमार जी का कहना है, कुमार राय जी का 168 रन। जो आखिरी ओवर गेंदबाजी करेंगे किंगमा, गेंदबाजी करेंगे विवियन किंगमा। और कौन कौन अच्छा बैट्समैन नीदरलैंड की ओर से? काफ़ी सारे अच्छे बैट्समैन मिलेंगे रवि जी नीदरलैंड की ओर से। अगर हम बात करें मैक्स डाउड, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कॉट एडवर्ड्स हैं, उसके अलावा आपके पास हैं एंड देर इज़ सो मैनी प्लेयर्स, यू विल सी इट आफ्टर दिस इनिंग्स। अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है भाई? मुझे तो लगता है ये मुकाबला आराम से जीत जाएगी नीदरलैंड। वी आर हैप्पी व्हेन यू रीड माय कमेंट्स। ऑलराइट, यू आर वेलकम भाई। आई मीन यू गाइस आर माय सब्सक्राइबर्स, सो व्हाई आई विल मिस यू गाइस? इट डजेंट मैटर इफ यू गाइस, एनी वन हु वॉन्ट्स टू बी अ मॉडरेटर इन माई चैनल गाइज, प्लीज़ कॉमेंट एंड प्लीज़ बी अ गुड मॉडरेटर। इट्स नॉट लाइक आप आते ही नहीं है कभी। सो भाई लास्ट ओवर कौन करेगा? भाई लास्ट ओवर यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बताया किंगमा गेंदबाजी कर रहे हैं। अब कौन बॉलिंग पर आएगा, विकेट मिलेगा लास्ट ओवर में? लेट्स सी भाई, विकेट मिलता है नहीं मिलता है। एंड सिक्स मार दिया तो 168 गाइस पहुँच गए हैं, और मैंने 173 बोला था। लेट्स सी 173 तक पहुँच जाए। तो काफ़ी लोगों की प्रिडिक्शन जो थी फेल होने वाली है। लेकिन रवि चौधरी जी का कहना है यहाँ पर 2 छक्के। जी बिल्कुल भाई, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब छक्के नहीं लगने चाहिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 173 तक ही रुक जाना चाहिए। इनको एक चौका लगा दें, उसके बाद 3 गेंदे खेल जाएं, तो मेरी प्रिडिक्शन मेरे ख्याल से सही हो सकती है। या दिप्यान, आई थिंक 180 इज़ ऑन कार्ड्स। ओके सो समबडी आस्क्ड मी टू चरण, चरण जी एक बार फिर से आप कॉमेंट कर दो ताकि मैं आपको मॉडरेटर बना दूँ गाइज। एंड anyone who has not subscribed to my channel guys, please subscribe and bell press the bell icon as well, so you will get the notification of my videos. Ravi Chaudhary ka kehna bilkul ji, wicket gaya lekin koi ab to 170 I think pari ho jayega, kyunki aakhri jo wicket gaya Kingma ne yahan pe dusra wicket nikal diya hai, aur Usman yahan par finally out ho gaye hain. उस्मान की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बल्लेबाजी करी है। इस अशफाक के बाद ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 50 करा, उन्होंने 54 बनाए थे, इन्होंने 52 करा, और इन्होंने बीच में आकर करा। इनकी जो पहले प्लेयर थे उन्होंने ओपनिंग में आकर करा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बीच में करा है, सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मुताबिक। राहुल चौधरी जी का कहना है यहाँ पे, यस माई फेवरेट प्लेयर इज़ आई विल से, देयर इज़ सो मेनी फेवरेट प्लेयर्स आई हैव, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल टाइम फेवरेट, माई फेवरेट इज़ गिलक्रिस्ट, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नाउ विराट कोहली इज़ माई फेवरेट। अरफान जी यहाँ पे विकेट, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो कैच पकड़ा था यहाँ पे फुल टॉस गेंद थी वो मुकाबले पे, और स्ट्रेट इन द हैंड्स ऑफ मिड विकेट। साकिब जुल्फिकर टुक द लास्ट कैच, और विकेट मिलेगा, लेट्स सी भाई, और विकेट मिलेगा तो अच्छा है। रहमान जी का कहना है, रहमान से यूएई इज़ गोइंग टू विन, या ब्रो लेट्स प्रे फॉर देम, बट आई थिंक आई स्टिल गो विथ नीदरलैंड, यूएई शायद वन। ओके शिवा जी, मुझे लगता है अभी भी ये मुकाबला नीदरलैंड ही जीतेगी। ओके सो 19 ओवर 4 गेंदे हो गई हैं, 169 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। अगर हम मोहम्मद बूटा अब बल्लेबाजी करने हैं 7वें नंबर पे, और काफ़ी अच्छे हिटर भी हैं, तो यहाँ पे 19 ओवर 4 गेंदों पे 171 रन बन गए हैं। और आई डू प्ले प्रीतम फैंटेसी गेम्स, आई प्ले ड्रीम 11, नयन सेज 178 एंड ओके नीदरलैंड इज़, या दैट्स इससे बहुत जा रहा है यार। एग्जैक्टली भाई, एक्स्ट्रा बहुत जा रहा है। सो आई थिंक माई प्रिडिक्शन इज़, अगर यहाँ पे चौका या छक्का नहीं लगता तो मेरे ख्याल से मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट हो सकती है। 2 गेंदों पे
रन बन जाएंगे, तो लेट्स सी। बट एक्स्ट्रा बहुत जा रहे हैं यार। ओके नयन जी 175 के जा रहे हैं। ओके माइन इज़ 173। सो दिप्यान आई थिंक आपने हाउ मेनी यू सेड 180 और ओके तो यहाँ पे 176 रन बन चुके हैं गाइज। एक और वाइड गेंद सीधा 5 रन यहाँ पे। एक्स्ट्रास की अगर हम बात करें तो आई डोंट नो, नो बॉल गेंद थी और गेंद थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए चली गई और 176 रन। तो अब तो मेरे ख्याल से 180 आराम से बन जाएगा। एंड विकेट नहीं गया भाई। विन ब्रो, नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन दिस गेम। एंड 176 कैसे हो गया बिना बॉल भाई? बिना बॉल के ऐसे हो गया, आखिरी जो गेंद थी वो गेंद थी नो बॉल और उस पर चौका लगाया था। सुमन 180। ओके अरफान यूएई साइनाथ 183। कौन जीतेगा छोटू जी? आई थिंक ये जो मुकाबला हो रहा है मेरे ख्याल से नीदरलैंड ये मुकाबला जीत जाएगी। नयन जी का कहना है यूएई जीतेगी। लेट्स सी भाई, मेरी भी अगर लगता है आपको तो जो मुझे लगता है यहाँ पे ये मुकाबला नीदरलैंड जीतेगी। कुमार जी का कहना है 182 रन बनेंगे, तो यहाँ पे 180 रन बन चुके हैं। 19 ओवर 5 गेंदे हो चुके हैं। डिसिल्वा की अगर हम बात करें तो इन्होंने 23 रन बना दिया है, 14 गेंदों का सामना कर रहे हैं और 3 चौके लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओके आई गेस ओनली 2 प्रेडिक्शंस कैन बी करेक्ट। हाँ या आई थिंक वन प्रेडिक्शन वॉज समबडी हैज़ कमेंटेड 180 एंड वन इज वन या सो 2 पीपल आई थिंक। एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा गया है? एक्स्ट्रा काफ़ी गए हैं भाई। वी हैड 183 टुगेदर। 180 इज आई नो प्रेडिक्शन नाउ। या इन क्रिकेट एनीथिंग कैन हैपन। आई थॉट दे गोना स्कोर समवेयर 173। आई प्रेडिक्टेड दैट इफ दे गिव आई थिंक दे गिवन 6 एक्स्ट्राज इन द 7 और 8 एक्स्ट्राज इन द लास्ट ओवर, सो दैट्स व्हाई आई थिंक। सो नाउ आई थिंक इट्स 20 ओवर्स। गुड वर्क ब्रो, थैंक यू सो मच ट्रस्टेड बेटिंग जी। तो 20 ओवर हो चुके हैं। चलिए मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा दूं गाइस। जिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। और लेट्स टॉक अबाउट दिस स्कोर कार्ड नाउ। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 182 रनों की ज़रूरत है यहाँ पर नीदरलैंड की, तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। भाई मुराद जी अभी भी मुझे लगता है नीदरलैंड जीतेगा। और चलिए बात करते हैं यू ए की चांसेस। आई विल से 30-70। आई विल शो यू, आप लोगों को अभी सारी चीज़ें मिल जाएंगी गाइज। आप लोग अब देख सकते हैं जो स्कोर कार्ड है। अशफाक अहमद ने 54 रन बनाए, 35 गेंदों का सामना किया इन्होंने और 11 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं लगाया उन्होंने। इसके अलावा रोहन मुस्तफ़ा ने 8 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया उन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुलाम शब्बीर ने 19 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। रमीज़ ने 11 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया। मोहम्मद उस्मान की अगर हम बात करें तो 52 रन की पारी के लिए काफ़ी अच्छी पारी थी, 34 गेंदों का सामना किया था, 4 चौके और 3 छक्के लगाए, काफ़ी अच्छे शॉट्स। डिसिल्वा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिसिल्वा ने 24 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और मोहम्मद बूटा ने 1 ही गेंद के लिए और 1 रन बनाया। अगर हम एक्स्ट्रास की बात करें तो एक्स्ट्रास यहाँ पे 12 गए हैं, 5 नो बॉल्स और 7 वाइड बॉल्स, तो काफ़ी एक्स्ट्रास यहाँ पे दिए गए हैं इनकी साइड से। और अब चलिए बात करते हैं, पहला विकेट गिरा था 41 रन पे, दूसरा विकेट गिरा था 82 रन पे 9 ओवर तीसरी गेंद पे, और तीसरा विकेट गिरा था 89 रन पे 10वें ओवर की 5वीं गेंद पे, और चौथा विकेट 112 पे गिरा था 14 ओवर की दूसरी गेंद पे, और पांचवा विकेट गिरा था 168 रन पे 19वें ओवर की 20वें ओवर की तीसरी गेंद पे। बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं किंगमा, और अगर हम बात करें ओवरडिस्क दोनों ही काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए। ग्लोवर ने 4 ओवर में 35 रन दिए, 35 रन देकर 1 विकेट निकाला। ओवरडिस्क ने 3 ओवर में 38 रन, कोई विकेट नहीं। किंगमा की अगर हम बात करें 4 ओवर में 47 रन और 2 विकेट निकाले। पीटर सेलर ने 4 ओवर में 1 विकेट, और साकिब जुल्फिकर की बात करें तो 3 ओवर में 28 रन उन्होंने दिया और कोई विकेट नहीं लिया। 2 ओवर में 13 रन यहाँ पे दिया और 1 विकेट लिया। तो ये रहा स्कोर कार्ड। अब इनिंग्स ब्रेक्स चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है इनिंग्स ब्रेक्स के बाद। और तब तक मैं आपको स्कोर कार्ड ये दिखाता हूँ। हम लोग अब फिर से एक बार वापस आएंगे जब मैच स्टार्ट होगा उसके बाद। सो गाइज वी विल बैक आफ्टर द, यू गाइज कैन स्टे ऑनलाइन, आई विल बी बैक इन 10-15 मिनट्स वंस द मैच विल स्टार्ट। ओके सो टिल दैट टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग।
and if you guys have not subscribed it, please subscribe it. And Dipyanji, we'll see you in 5 minutes. I will see you in 5 minutes, so you can come in 5 minutes, all right? Thank you.
तो स्वागत है गाइस आप सबका एक बार फिर से। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरी इनिंग्स जो स्टार्ट हो चुकी है, और जो ओपनिंग की अगर हम बात करें तो मैक्स डाउड और माइबर्ग ही ओपनिंग में आए हैं, जैसा कि हमने प्रिडिक्शन भी करी थी कि वही यहाँ पे ओपनिंग में आएंगे, तो वही ओपनिंग में भी आए हैं। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। चलिए बात करेंगे हम इस मुकाबले की, पूरी लाइव कवरेज हम आपको देने वाले हैं इस मुकाबले के बारे में। और आप सबका स्वागत है एक बार ब्रेक से। तो ओपनिंग की अगर हम बात करें, मैक्स डाउड यहाँ पे ओपनिंग में आए हैं, एक गेंद खेल चुके हैं, कोई रन नहीं बनाया, और एक गेंद यहाँ पे स्टीवन माइबर्ग ने भी खेला है, एक रन बनाया उन्होंने, एक गेंद का सामना किया है अब तक। अगर हम इंडिया और वेस्ट इंडीज़ वाले की बात करें तो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ काफ़ी उनकी हालत ख़राब है। ऑल राइट, प्रीतम जी का कहना है आई कैन क्लीन इट भाई। ओके, तो लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू विन दिस वन। एंड सो सुनील जी ने बोला था कि 200% नीदरलैंड जीतेगी। बिल्कुल, नीदरलैंड इनिंग्स में आर रनिंग अप। और कौन जीतेगा भाई आज? भाई गोविंद जी, मुझे लगता है यहाँ पे नीदरलैंड यह मुकाबला जीतेगी। और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से, आपने अभी अभी ज्वाइन करा अगर मेरे चैनल को, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और गोविंद जी, ये मुकाबला नीदरलैंड जीतेगी। मधु जी का भी कहना नीदरलैंड यह मुकाबला जीतेगी। परमेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 6 विकेट यहाँ पे गिरेगा, तो लेट्स सी। नहीं भाई, एक विकेट नहीं गिरा अभी, एक रन बनाए, 3 गेंदों का गेम हो चुका है। और अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे 181 रन बनाए यहाँ पे यूएई की टीम है। यूएई की तरफ से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई, मोहम्मद उस्मान ने 52 रन बनाए। और अगर हम बात करें दूसरे जो प्लेयर थे, अशफाक अहमद ने, उन्होंने बनाए यहाँ पे, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने भी, और उन्होंने 54 रन बनाए स्टार्टिंग में। दोनों की इनिंग्स काफ़ी अच्छी थी। अगर हम बात करें पहली इनिंग्स में, तो अब तो पहली इनिंग्स हो चुकी है, अब लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द सेकेंड इनिंग्स। एंड 3 विकेट इन 5 ओवर्स। परमेश जी यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 विकेट गिर जाएगा 5 ओवरों में। नीदरलैंड 214 की बेस्ट इनिंग्स 2014 की। ओके, 2 रन बन चुके हैं गाइस, और 5 गेंद हो चुके हैं पहले ओवर में। और पहला जो ओवर गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला ओवर यहाँ पर यूएई की ओर से कर रहे हैं मोहम्मद नवीद, जिन्होंने 5 गेंदों पे 2 रन दिए हैं। तो गोविंद जी, वेस्टइंडीज़ के साथ कौन कौन था हुआ तो बताओ। वेस्टइंडीज़ वाले सारे चले गए भाई, आई थिंक दे आर नॉट हियर एनी मोर। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। तो यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद केवल 2 रन बने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इस टीम की, नीदरलैंड पे यहाँ पे बल्लेबाजी करने आई है। ओके, आमिर नज़ीर जी, वेलकम टू आवर ब्रॉडकास्ट मैन। इफ़ यू वॉचिंग फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू सो मच दैट यू वॉचिंग फ्रॉम कश्मीर, एंड वी रियली लव कश्मीर। एवरीबडी हियर हु इज़ वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट, एवरीबडी लव्स कश्मीर। सो गोविंद जी का कहना इंडिया इज़ बेस्ट। यस ब्रदर, इंडिया इज़ बेस्ट, इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू लूज विद दिस स्मॉल टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज़ एंड दीज टीम्स। सो गोविंद जी कह रहे हैं 14 ओवर में 194, और कोई है ऑल राइट, इरफान जी लव यू मैन, एंड इफ यू जॉइन मी फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू सो मच दैट पीपल आर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट फ्रॉम कश्मीर, एंड सो जस्ट से थैंक यू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग हियर। एंड इंडिया इज़ द बेस्ट मैन, इंडिया इज़ द बेस्ट, बाकी सब रेस्ट। एग्जैक्टली गोविंद जी, आपने सही कहा, इंडिया इज़ बेस्ट, सब बाकी सब रेस्ट। खैर गेम है तो कोई ना कोई जीतेगा और कोई ना कोई हारेगा, लेकिन इट्स अ गेम। या यू कैन से इट्स अ बिग टारगेट फॉर नीदरलैंड, बट आई थिंक दिस गेम इज गोइंग टू विन बाय नीदरलैंड, बिकॉज दे रियली हैव अ वेरी गुड टीम, एंड बांग्लादेश इज बेस्ट, बाकी सो
Mr. Farabi Ahmed ji, maybe Bangladesh is a good team. I will not say bad team. India is also a good team. Everybody is a good team. Even if you talk about this game, these both team are good. If they are playing cricket, that means they are a good teams. Exactly, good start in the first over, just 2 runs and no wicket. सुरेंद्र जी नीदरलैंड ही जीतेगी, आप टेंशन क्यों कर रहे हो, नीदरलैंड ही जीतेगी ये मुकाबला, कोई नहीं हरा सकता नीदरलैंड को यहाँ पे, यूएई तो आराम से नहीं। और सुधीर जी का कहने अग्री, थैंक यू भाई अग्री करने के लिए। ओके, आज तो 14 ओवर में नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से आज का ओवर मैच ख़त्म होने में 18 या 19 या फिर 20वें ओवर में भी लग सकता है। फरेबी इज ओके, फरेबी जी या बांग्लादेश इज़ अ वेरी गुड मैच से, अल्लाह यूएई जीताओ। ओके लेट्स सी, यूएई आप जिताओ। भाई इट्स बिन 3 ईयर्स दैट आई हैव बिन वर्किंग इन दिस चैनल, सो इट्स 3 ईयर्स। ओके हाय इमरान जी, आपका स्वागत है मेरे ब्रॉडकास्ट पे। और 214 वाली इनिंग्स मैंने देखी थी, वो किसके खिलाफ आई याद नहीं आ रहा मुझे, यूएई के खिलाफ था या फिर कौन सा मुकाबला था वाला, आप लोग एक बार अगर याद दिला दो तो दैट विल बी अमेजिंग। ओके दैट वाज इन 2009, लॉट ऑफ डिफरेंस मैक्स अप इन रनिंग, या मैक्स यहाँ पे पहला फाइनली उन्होंने 6 लगा ही दिया। सुरेंद्र जी नीदरलैंड के बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं अगर हम बात करें तो। दिस मैच इज़ गोइंग टू विन बाय नीदरलैंड। ओके गोविंद जी का कहना है, ओके नहीं गोविंद जी आयरलैंड के साथ मैच हुआ था, टारगेट बहुत बड़ा। सुरेंद्र जी टारगेट से कुछ नहीं होता, टारगेट की तो टारगेट गेम ही होता है, ये जो गेम हो रहा है यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ के काफ़ी बड़े स्कोर्स बनते हैं, आज तो कम स्कोर बना है। अगर नीदरलैंड ने बल्लेबाजी पहले करी है तो ट्रस्ट मी भाई, ये जो 180 के करीब बनी है स्कोर, ये ऑलमोस्ट समवेयर 200 या फिर 250 रन के करीब बनता है ये मुका, 200 तो कम से कम बनता है इस मैच में। बढ़िया है भाई इमरान भाई, नीदरलैंड्स मैक्स ओ डाउन वेरी गुड अट्रैक्टिव बैट्समैन, एग्जैक्टली ब्रदर द वे ही प्लेड इन द रिसेंटली T10+। या आदिप्यान चैटर्जी अग्री विथ यू मैन, इट्स अ वेरी स्मॉल ग्राउंड, सो यू कैन सी इट्स फर्स्ट 6 मैक्स डाउट ने यहाँ पे छक्का भी लगा दिया है पहले दूसरे ओवर में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 रन पर पहुँच चुकी है नीदरलैंड, 1 ओवर 5 गेंदों का सामना किया है। ओपनिंग में यहाँ पे स्टीवन माइबर्ग आए हैं और इसके अलावा मैक्स डाउट ओपनिंग करने आए हैं, इसके बाद जो गेंद बल्लेबाजी करने आएंगे काफ़ी सारे बल्लेबाज, अगर हम बात करें स्कॉट एडवर्ड्स हैं और काफ़ी सारे हैं। हेलो राजा जी, आपका स्वागत है मेरे ब्रॉडकास्ट पे। और अगर आप लोगों में से किसी ने अब तक ज्वाइन नहीं करा है मेरे चैनल को तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा। ऑल राइट गोविंद जी, हाँ मैं अब मुझे याद आ रहा है जो मुकाबला था आयरलैंड और नीदरलैंड के बीच में था, वो मुकाबला 2014 में बेलफास्ट में आई थिंक खेला गया था, तो काफ़ी इमरान जी अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो ये मुकाबला यहाँ पे नीदरलैंड जीतेगी। बाउंड्री कितनी बड़ी है, बाउंड्री भाई आई थिंक 65 मीटर्स की है, ऑलमोस्ट 65 और 68 की है। राजा जी यस ब्रदर आस्क मी अ क्वेश्चन लाइव, नहीं ऑल राइट सो वीडियो क्यों नहीं दे राजा भाई, वीडियो नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी आप जाओगे, वीडियो नहीं मिलेगी इस मुकाबले की, ये मुकाबला लाइव आप यहाँ पे मेरे चैनल पे आप कमेंट्री सुन सकते हो लेकिन कहीं और पे आपको ये भी नहीं मिलेगा। सो जॉनी जी वेलकम, आपका स्वागत है मेरे ब्रॉडकास्ट पे। और आपने क्वेश्चन पूछा सर कौन विन होगा, भाई जॉनी जी अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो यहाँ पर आराम से जीत जाएगी ये नीदरलैंड की टीम, मेरी प्रेडिक्शन जो है, क्योंकि 182 रन चाहिए और आराम से जी जाएगी। ओपनिंग कितना बनाएगा भाई, ओपनिंग की अगर हम बात करें तो जो मेरी प्रेडिक्शन है मुझे लगता है यहाँ पे ओपनिंग के प्लेयर्स 50 या 60 तक बनाएंगे। छोटू जी बिल्कुल विन करेगी नीदरलैंड की टीम, मेरी कंफर्म है टुडे विन।
Ryan Tendaskate, yeah, you can say they can miss, but they have a good player than players than Ryan Tendaskate. And यहाँ पे कहना है सोचीब खान जा कि यहाँ पे आउट, लेकिन भाई अभी तक नहीं आउट हुए हैं. या यू कैन से पावर प्ले डिसाइडेड मैच सुरेंद्र जी, यू कैन से दैट, बट आई थिंक स्टिल आई विल से दैट ये मुकाबला आपको 19वें या फिर 20वें ओवर में ही ख़त्म होने वाला है. ओके, नो बेटिंग प्रमोशन, प्लीज़ गाइज डोंट प्रमोट योर बेटिंग्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो मुराद जी छक्का बिल्कुल पहले और पिछले ओवर में लगा था, तो इस ओवर में देखते हैं क्या आता है. ओके, सैयद जी का कहना है यहाँ पे यूएई जीतेगी. बिल्कुल भाई, अगर आप कहते हैं यूएई जीतेगी तो बिल्कुल, अगर आप यूएई के फैन हैं तो बिल्कुल आपकी टीम जीतनी चाहिए. लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी वह है नीदरलैंड आज के मुकाबले के लिए. मे बी अगला जब मैच स्टार्ट होगा तो मैं टीम बदल लूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इस मुकाबले में मैं टीम नहीं बदलने वाला. और इमरान जी सिक्स आए, ओके लेट्स सी इमरान भाई. राजा जी बिल्कुल बुरा हाल हो गया है वेस्ट इंडीज़ वाला, जो मैच हो रहा है बिल्कुल मैच देखने का मन नहीं कर रहा है. ऐसा मैच हो गया क्या बताऊँ मैं आपको, वो मैच सोच रहा था कि ब्रॉडकास्ट करूँ, अच्छा वो मैंने करा नहीं. और आई होप यू हैव अ प्राइज फॉर मी दैट एंड ऑफ द लेट्स सी भाई. आई मीन आई विल चूज वन ऑफ देम. आई एम नॉट श्योर इट कैन बी यू, इट कैन बी एनी वन, बिकॉज एवरीबडी इज माई सब्सक्राइबर. एंड गाइज लेट मी टेल यू, इफ यू गाइज हैव जस्ट जॉइन माई चैनल, इफ़ यू गाइज विल प्रिडिक्ट हु इज़ गोइंग टू विन दिस गेम, सो वन ऑफ द लकी विनर्स विल गेट 500 rupees कैश बोनस ऑन पेटीएम. सो प्लीज़ प्रिडिक्ट हु इज़ गोइंग टू विन दिस गेम बाई योर चॉइस एज वेल. राजा जी मैं यूपी से हूँ, वाराणसी से अगर हम बात करें. राजू भाई, भाई यूएई विन होगा डेफिनेटली भाई. मेरी जो प्रिडिक्शन है नीदरलैंड विन होगा ये मुकाबला. ओके, एलेक्स जी का कहना है सौरन की पार्टनरशिप होगी. लेट्स सी भाई सौरन की पार्टनरशिप यहाँ पे. सर ग्लोबल वाली मैच में आज कौन विन होगा जो दस लेट्स सी. मैं उसमें भी लाइव करूँगा आपको थोड़ी देर में. और सैयद जी या यू कैन, यू आई मीन एनी एवरीवन कैन कैन बी इन दिस. आर्केटेक जी का कहना है यहाँ पे हु विल विन आर्केटेक. माई प्रिडिक्शन इज नीदरलैंड, यू कैन प्रिडिक्ट एज वेल. मे बी यू कैन बी अ लकी वन हु इज गोइंग टू विन 500 rupees पेटीएम कैश. प्रीतम नीदरलैंड जीतेगा भाई. ओके भाई, मुझे मेरी भी जो प्रिडिक्शन है वो नीदरलैंड जीतेगी. शिवम जी का कहना है नीदरलैंड अच्छी टीम है, बिल्कुल अच्छी टीम है भाई. जॉनी जी एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ दो, ताकि मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तो एक बार फिर से आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नीदरलैंड राजा जी नीदरलैंड बिल्कुल जीतेगी भाई. राजीव जी का कहना है यहाँ पर विकेट जाने वाली, लेट्स सी. आई थिंक 2 ओवर 5 गेंदें हो गई हैं, 18 रन कोई विकेट नहीं है, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी. अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो 181 रन यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और 18 रन पे खेल रही है नीदरलैंड 2 ओवर 5 गेंदों के बाद. बॉलिंग यहाँ पे कर रहे हैं मोहम्मद नवीद, 2 ओवरों में 12 रन दिए हैं, और सुल्तान अहमद ने 1 ओवर में 10 रन. बल्लेबाजी के मैक्स आउट 16 रन पे खेल रहे हैं 11 गेंदों पर. नीदरलैंड शिवम जी रैंकिंग में ऊपर हैं यूएई से. ओके, स्लो स्टार्ट है नीदरलैंड का. नीदरलैंड का स्टार्ट स्लो नहीं है भाई, काफ़ी अच्छा स्टार्ट है. 3 ओवर में 22 रन और दूसरी बैटिंग कर रही है, तो इनको पता है कि कितना स्कोर करना है. यूएई को जितना चाहता हमानी. ऑल राइट रूबेल भाई, लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू विन दिस गेम. माई प्रेडिक्शन इज़ विद नीदरलैंड. राजा किंग इट्स कॉल वॉचफुल स्टार्ट. सर 10 PM पर कौन विन होगा भाई? जॉनी जी मैं आपको 10 मिनट के बाद बता दूंगा, जो टॉस होगा उसके बाद मैं प्रेडिक्शन आपको बता दूंगा कौन मुकाबला जीतने वाला है. ओपनिंग जेता काला ले सकता है भाई, क्योंकि दोनों खतरनाक बैट्समैन. बिल्कुल भाई, माइबर्ग और अगर हम डाउट की बात करें बिल्कुल अच्छे प्लेयर्स हैं भाई. ड्रीम इलेवन गलरा होता है बिल्कुल भाई. नवीन जी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हो सकता है. संभल के खेल रहे हैं, दे नीड टू कीप मोमेंटम गोइंग. एग्जैक्टली प्रतीम भाई, दे नीड टू गेट द मोमेंटम गोइंग अप. भाई शिवम जी बिल्कुल, मैं दिल से बता रहा हूँ ये मुकाबला, मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे नीदरलैंड जीतेगी मुकाबला. माइनुल हक कहना है यहाँ पे, माइनुल थिंक्स दैट नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन 90%. जॉनी ओके सर, आपने चैनल से ऐड कर लो मुझे.
ओके बिल्कुल भाई, आप मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे बेल आइकन के साथ। जब भी मैं आपको नोटिफिकेशन लाइव आऊँ, आप लाइव आ सकते हैं। ओके अविनाश वांट विकेट, बट ब्रदर आई थिंक इट्स 3.3 ओवर्स, 23 रन्स, नो विकेट। सेकेंड ओवर जो बात करें, रोहन मुस्तफ़ा गेंदबाजी करना है, 3 गेंदों पे 1 रन दिया इन्होंने और 2 ओवर में 12 रन नवीद ने दिए थे। और नीदरलैंड धन जी, ओके एक बात हो जाए। हाँ बिल्कुल शिवम जी, पूछ लो आप। मुराद जी, ओके सो थैंक यू सो मच गाइस। आपने अभी अभी अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। धनजी का कहना है यहाँ पर विकेट नीदरलैंड जीतने वाली है। भाई आप सबके ब्रॉडकास्ट पे जाके यही क्वेश्चन पूछते हो क्या? आई थिंक आई हैव सीन यू सो मेनी प्लेसेस वेयर यू आस्क द सेम क्वेश्चन। लाइव मैच नहीं? ओके रोहित जी, आपको लाइव मैच कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको स्टेडियम में जाना पड़ेगा उसके लिए। सूरज निगाड़े, हाय ब्रदर, हाउ आर यू? मैक्स्ड आउट टुडे 100, लेट्स सी ब्रदर, आई होप दैट मैक्स्ड आउट प्लेज वेल बिकॉज आई हैव सजेस्टेड लॉट ऑफ पीपल दैट दे शुड मेक कैप्टन टू मैक्स्ड आउट बिकॉज द वे ही प्लेड, ही इज़ जस्ट अमेजिंग प्लेयर। ओके शारिया जी का कहना है नीदरलैंड जीतेगा, आई होप। शारिया जी बता दूं मैं आपको, ये मुकाबला नीदरलैंड ही जीतेगा, मेरी प्रिडिक्शन है। आप भी प्रिडिक्शन आप अपना कर सकती हैं। और इसके अलावा शिवम जी का कहना है हु गोना विन, टेक्निकल जय, आई एम थिंक नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन, दिस इज़ माई प्रिडिक्शन, यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट हु इज़ गोइंग टू विन। राघव इज़ सेइंग इज़ विकेट। मोइनुल जी, लाइक प्रिडिक्शन आप बताइए कैसे मैं आपको वो करूं। रवि जी, अगर हम बात करें टफ की, तो यहाँ पर टफ की जो टीम है, आई विल से नीदरलैंड इज़ अ वेरी टफ टीम। जॉनी जी, मैं आपको यूपी में वाराणसी से हूँ, बैन कूपर बैटिंग इन नंबर, मे बी ही विल बैट एट 3 और 4 विकेट। राघव जी का कहना है यहाँ पर विकेट गया, नहीं भाई अभी भी विकेट नहीं गया है। और आशीष जी, मैं वाराणसी से ही हूँ। और अविनाश जी कह रहे हैं यूएई जीतेगा, बिल्कुल भाई, लेट्स सी, दैट्स योर प्रेडिक्शन, माय प्रेडिक्शन इज़ विथ नीदरलैंड। सोमेश जी प्रेडिक्शन चलिए कर ही लेते हैं, पहला विकेट कब गिरेगा? और अगर हम पहले विकेट की बात करें, जो मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है यहाँ पे 50 से 60 रन के बाद ही गिरेगा। बिल्कुल भाई, सारे मैच दिखाते हैं यार, वाराणसी में कहाँ से भाई। कौन जीतेगा? गिरिधारी प्रधान जी, मुझे लगता है ये मुकाबला नीदरलैंड जीतेगी। तो धन जी का कहना 50 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप होगी, बिल्कुल भाई 50 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप होगी मेरे ख्याल से, द वे दिस गाइज आर प्लेइंग। और राघव जी, बिल्कुल कैच ड्रॉप हुआ था पिछला मैक्स डाउट का। रवि जी, अगर हम बात करें इस मुकाबले की, नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगी। भाई लोग, सब टीम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आप इनमें सब। राइट नाउ द बॉलर इज़, इफ़ यू टॉक अबाउट बॉलर, इट्स सुल्तान अहमद, इट्स 1.2 ओवर्स, ही हैज़ बोल्ड, ही हैज़ गिवन 11 रन्स। प्रदीप जी का कहना नीदरलैंड जीतेगी। और गिरिधारी जी, 2 ओवर में विकेट गिरेगा, और गिरिधारी जी का कहना है यहाँ पे 2 विकेट में गिरेगा। ओके इसी ओवर में गिरेगा। शुभम जी कह रहे हैं इसी ओवर में गिरेगा, लेट्स सी भाई, इसी ओवर में अगर गिर जाएगा तो आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। जॉनी जी, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में व्हाट्सएप नंबर। सिंटू जी का कहना 6-4 6-4, ओके मैं जीतूँ, बिल्कुल भाई, वॉचफुल स्टार्ट। धनजी गुप्ता जी, बिल्कुल नहीं भाई, नहीं पहचानता मैं आपको तो। जॉनी जी, आई विल टेल यू, लेट्स सी, आई थिंक आई विल सी द टॉस एंड देन आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू विन द मैच। रवि कुमार जी, बिल्कुल यहाँ पे आपने अगर बेट किया है तो डेफिनेटली आप काफ़ी सारे पैसे जीतने वाले हो। ये तो ये 400 में 4 गेंदे हो गए, 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, मैक्स आउट 18 रन पे खेल रहे हैं। अगर हम बात करें, 14 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका और 1 छक्का लगाया है। स्टीफन माइबर्ग ने 14 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं, कोई विकेट, कोई चौका और कोई छक्का नहीं लगा। सुल्तान की बात करें, सुल्तान अहमद 1.4 गेंदों में 14 रन दिए हैं, और रोहन मुस्तफ़ा ने 1 ओवर में 4 रन दिया है। ओके यहाँ पे कोई,
बहुत लॉस मैच चल रहा है भाई। जॉनी जी कैसे आप चल रहे हो? गुड इवनिंग भाई आप लोगों का। हम से ओके धनजी जी आप चौसा से हो, ग्रेट। आई दे विश्वास ओके बिल्कुल यूएई इस वजह से जीतेगी क्योंकि द वे दिस गाइस हैव टीम इज़ वेरी गुड ऑफ यूएई एंड इनके पास नीचे भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं अजय जी। और ओके सो बेन कुपर मैं आपको अभी बताता हूँ भाई कितने नंबर पे आएगा। नहीं भाई आई थिंक आखिरी जो गेंद पे लगा था बिल्कुल सिक्स लगा था मैक्स डाउट ने। यहाँ पे सिक्स और फिर से फोर लगा है मैक्स डाउट ने। 28 पे पहुँच गए हैं 16 गेंदों का सामना करके। अहमद की आखिरी गेंद पे चौका लगाया था इन्होंने, कट करा था और पॉइंट बैकवर्ड की तरफ 4 रन के लिए। और जो छक्का लगाया था इन्होंने स्वेप करा था परफेक्शन के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से छक्का लगा था। अगले ओवर की बात करें तो रोहन मुस्तफ़ा यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे। माइबर्ग इज़ या दी यू आर राइट ही इज़ ऑलरेडी आई मीन रोटेटिंग द स्ट्राइक द सो दैट्स गुड। ओके छोटू जी का कहना लाइव किस पर है? भाई लाइव कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, यहीं पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट्री आपको लाइव मिलेगी। ओके सो भाई जी आपका नाम, मेरा नाम है भाई चंदन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम भी है स्पोर्ट्स अपडेट्स बाई चंदन। और जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें मेरे वीडियो। जॉनी जी बिल्कुल आपको मैं दूंगा, अभी मैं प्रिडिक्शन बताने वाला हूँ उस मुकाबले की जिसकी बात करो उसके ऊपर ही मैं सर्च कर रहा हूँ। उमर भाई ये मुकाबला जो जीतने वाला है यहाँ पर नीदरलैंड की टीम ये मुकाबला जीतेगी और दैट्स माई प्रिडिक्शंस। 5 ओवर्स इट्स इट रियली लुक्स रियली बेटर इन 5 ओवर्स 40 रन विदाउट एनी विकेट। अहमद आखिरी ओवर में उन्होंने ही गेंदबाजी करी थी भाई, और उन्होंने सुल्तान अहमद गेंदबाजी कर रहे थे 2 ओवर में 24 रन दे चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बिल्कुल भाई आपको कमेंट्री मिलेगी इस मुकाबले की तो लाइव। ओके शायद मेवाती वाहिद अहमद का ओवर बिल्कुल आई 10 मिनट के बाद आएगा। चलिए कोई भी क्वेश्चन गाइस, इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस गेम इट्स 5.4 ओवर्स 43 रन्स नो विकेट। ओके बॉल स्टैट्स दिखा दो। मोई जी गेंदबाजी के बारे में आपको बता दूं। आमिर जी किस चीज़ पे आपको पैसा लगाना बता दो आप मुझे। पीटर सेलर भाई काफ़ी नीचे खेलेगा, 6 या 7 नंबर पे खेलेगा। और ब्लेस यू थैंक यू सो मच मोहम्मद सिराज जी फाइनली। ओके पीटर सेलर यू आस्क मी एंड एनीवन एल्स हैव भाई 5 ओवर में कितने रन बनाए हैं? भाई 5 ओवर की अगर हम बात करते हैं इस ओवर में आ गए हैं आपको गिव मी अ मोमेंट 2 3 4 5 रन आ चुके हैं इस 5वें ओवर में और गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आने वाली है। 6 ओवर हो चुके हैं, 6 ओवर में 45 रन। ओके ओ ग्रास एंड माहिया जी डेफिनेटली भाई आप, मैं हिंदी में ही कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो जैसे भी लगाना आप बता दो मैं आपको बता दूंगा, जैसे भी आप लगा सकते हो ड्रीम इलेवन पे खेल सकते हो आप। और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं पावर प्ले माइबर्ग इज टेस्ट प्लेयर। नो नो छोटू सिंह माइबर्ग टेस्ट प्लेयर नहीं है, अगर वो स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी नीदर यूएई के, लेट मी टेल यू दैट। मोहित जी अगर हम बात करें कितने किसने कितने ओवर करे हैं तो यहाँ पे अगर अहमद ने यहाँ गेंदबाजी की, चलिए मैं बताता हूँ आपको तो 6 ओवर हो चुके हैं गाइस, रोहन मुस्तफ़ा 2 ओवर कर चुके हैं और यहाँ पे फाइनली गेंदबाजी करने आ रहे हैं। 2 ओवर नवीद ने करे हैं, 12 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं। सुल्तान अहमद ने 2 ओवर में 24 रन 9 विकेट कोई विकेट नहीं और 2 ओवर में 9 रन दिए हैं यहाँ पे रोहन मुस्तफ़ा ने। 5 रन्स इन द लास्ट ओवर, भाई किसने कितने ओवर करे हैं? ओके
नहीं भाई, कहीं पर आपको यहाँ पर लाइव मिल जाएगा, यहीं पर केवल मिलेगा। ओके सो एलेक्स भाई, आपको लाइव कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग और कमेंट्री के साथ। चलिए भाई, चैनल का नाम बताओ। काशिद भाई, मेरे चैनल का नाम है स्पोर्ट्स अपडेट्स बाय चंदन। जाहूर ने अभी गेंदबाजी नहीं करी है भाई, अभी तक जो गेंदबाजी करी है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सुल्तान अहमद ने गेंदबाजी करी है, और उनके अलावा गेंदबाजी करी है रोहन मुस्तफ़ा और नवीद ने। तो ये तीन गेंदबाज हैं जिन्होंने गेंदबाजी करी है। इसके अलावा नीदरलैंड कैसे जीतेगा, नयन जी का कहना नीदरलैंड कैसे जीतेगा। नीदरलैंड की अगर नयन जी बात करें, जहाँ तक मुझे लगता है उनके जो जैसे टीम है यहाँ पे, अगर हम बात करें नीदरलैंड की, उनके पास काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, इस वजह से मुझे लगता है। सुवासी जी, आप लाइव यहीं पर केवल देख सकते हो और कहीं पर भी आप नहीं देख सकते हो। मोई जी का कहना है भाई वन डाउन खेलेगा भाई। इसके बाद अगर हम बात करें बल्लेबाजी की, तो सिकंदर जुल्फिकर आएंगे, उसके बाद सकीब जुल्फिकर, उसके बाद बेन कूपर आएंगे। तो पांचवें नंबर पे बेन कूपर का आने के चांसेस है। मे बी चेंजेस हो सकते हैं, मे बी द वे दिस गाइज आर प्लेइंग बेन कूपर कैन कम अप एज वेल, बट आई थिंक फॉर नाउ द अपडेट विच आई हैव, ही इज़ गोइंग टू प्ले एट नंबर 5। आओ चलो, थैंक यू। अहमद राजा नो न्यू बॉलर इनटू द अटैक, या अहमद राजा इज़ बॉलिंग। ओके राजा जी, फर्स्ट डाउन। ओके लेट्स सी। आई थिंक रोशन जी आप बिल्कुल जीतेगा, मैं आपके साथ हूँ। आप 5K में से मुझे 500 रुपये दे देना सुपर चैट की मदद से। अगर डेफिनेटली जो मेरी प्रिडिक्शन है वो नीदरलैंड ही जीतने वाली है मुकाबला, अगर आप जीत गए 5,000 रुपये, तो प्लीज़ मुझे भी सुपर चैट दे दीजिएगा 500 रुपये का। ओके सो ओके राम राम सयामू जी, विकेट जाने वाला। राजू जी कह रहे हैं यहाँ पे विकेट जाने वाला। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे 50 रन का स्कोर हो चुका है, यहाँ पे 6 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 ओवर में 50 रन। माइबर्ग यहाँ पे 16 रन पे खेल रहे हैं 18 गेंदों पे केवल, अभी तक उन्होंने रोटेट ही करी है स्ट्राइक, और 32 रन पे खेल रहे हैं मैक्स्ड आउट, जिन्होंने 22 गेंदों का सामना करा है, 2 चौका और 2 छक्के लगाए हैं। ओके राम राम, विकेट जाने वाला है ब्रो, मैंने पास अभी दे नहीं पाऊँगा। कोई नहीं भाई, आप इट्स अप टू यू, आपको ऐसा नहीं है कि देना ही देना है। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग दे सकते हैं, आप लोग सुपर चैट की मदद से, आप लोगों को ऑप्शन आ रहा होगा नीचे में डॉलर का साइन बना हुआ, वहाँ से आप चेंज, वहाँ से आप जितना भी पैसा डोनेट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट ओवर 22 रन। ऑल राइट थैंक यू, लेट्स सी अरुण जी अगले ओवर में कितने रन बनता है। इमरान जी का कहना है 10,000, 10,000 के हैं। ऑल राइट भाई, आप बिल्कुल जीतोगे यार, ज़्यादा ही आपकी टीम। ओके छोटू जी 10 के, माइबर्ग कब आएगा। माइबर्ग मारेगा भाई, बिल्कुल मारेगा, अभी अगले ओवर से देखना माइबर्ग का स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं मारा क्योंकि एक तरफ से अगर हम बात करें तो एक तरफ से ऑलरेडी मैक्स आउट मार रहा है, तो इस वजह से नहीं मार रहा है क्योंकि वो धीरे खेल रहा है उनकी वजह से। तो नेक्स्ट टाइम रोशन जी, डेफिनेटली कोई बात नहीं, आप अगली बारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और 7 ओवरों में 51 रन, ओके सोमेश जी का कहना है अगले 10 गेंद बॉल में 1 विकेट गिरने वाला। लेट्स सी भाई, इट्स 7 ओवर्स, सो यू सेइंग दैट 8.4 ओवर्स, 8 दशमलव 4 ओवर से पहले पहले विकेट गिर जाएगा। फरेबी जी आप, आई डोंट नो, यूएई, मैं यूएई को तो मैं ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी। और हरीश जी डेफिनेटली मायबर्ग मारेगा यार, टेंशन क्यों करो, अभी तो काफ़ी सारे स्कोर बने हुए यहाँ पे। और
और जिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा है मेरे चैनल को गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके इंशाल्लाह जी हसीन जी का कहना है यहाँ पे इंशाल्लाह जीतेगा यूएई। लेट्स सी भाई वसीम जी ये मुकाबला जो जीतने वाली है टीम नीदरलैंड जीतेगी। दैट्स माय प्रेडिक्शन। ओके शायरा खान जी आप टेंशन मत करो मारेगा वो। अभी भी 17 रन मार लिया यार। अगर आप लोग ड्रीम इलेवन पे उनको लिया है तो डेफिनेटली ही प्लेड वेल। अगर आपने किसी ऐसे प्लेयर को लिया होता जो कि ज़ीरो पे आउट हो जाता उससे तो अच्छा ही है ना कि क्योंकि इसने आपको पॉइंट्स दे दिए। ओके अब यहाँ पे सुरेंद्र जी का कहना रिक्वायर्ड बैट ओके डेफिनेटली रिक्वायर्ड रेट बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है भाई सुरेंद्र जी। ये मुकाबला आप टेंशन बेफिक्र होकर सो जाओ आपको ये मुकाबला नीदरलैंड जीतती हुई नज़र आएगी। हबीब जी का कहना कौन जीतेगा भाई जो मेरी प्रिडिक्शन है भाई बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगा जी की। शायरा जी हाथ में नहीं ओके हाथ में दही में भी लगा सकता है। ओके माइबर्ग आउट यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था। हसन ओली जानी ना हमें के नो कमेंट गुल हो वाले पोरो। ओके जॉनी जी आपका मैं आपको कमेंट बता दूँ कौन जीतने वाला मुकाबला। ओके गोविंद जी लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। 7 ओवर 4 गेंदे हो गए हैं 54 रन और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो। और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ गाइज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इट्स यू कैन सी। एंड ओके रिपोर्ट आशा आर्या जी आपको नंबर आई एम नॉट श्योर आई विल एबल टू गिव दैट और नॉट आई डोंट थिंक सो। कनाडा में भाई किसका किसका मैच एक बार बता दो मुझे ताकि मैं आपको बता जाऊं। हसन अली हमें बूझते पारी बांग्ला दादा। ओके सो दैट्स फर्स्ट विकेट माइबर्ग फाइनल यहाँ पर आउट हो गया गाइज। समीहा जन्नत जी आउट ओके पीपल आर वेरी हैप्पी दैट जहूर ने एक विकेट निकाला है यहाँ पर अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो। राजू जी बिल्कुल यहाँ पर आउट हो गए। सो बेन कूपर यहाँ पे बिल्कुल सही थी। दीप्यान यू सेड दैट ही इज़ गोइंग टू बैट एंड सोमेश इज़ ऑल्सो सेड दैट ही इज़ गोइंग टू कम वन डाउन सो वेल डन गाइज आई थॉट। ओके गोविंद जी अगर हम बात करें अगर सिमेंस वाली और युवराज वाली मैच है तो दैट मीन्स एडमोंटन रॉयल्स और जस्ट लेट मी चेक आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू विन इन दैट गेम। ओके सो आप यू कैन सी इट 7.5 ओवर समबडी हैज़ प्रिडिक्टेड मी दैट somebody is going to predict me in next 10 balls somebody is going to get out. okay sharia ji agar hum baat kare afridi ki team hai to afridi ki team brampton ki team jeetegi kyunki brampton ki team kafi achhi hai yuvraj ki team se yuvraj ki team mein bas mujhe lagta hai ki yuvraj singh hi aur koi acha aisa nahi hai canada wale mein. all right dada tum ek kotha aaye the ke bangladesh se like dhaka aur चिटागोंग और कोथा है तुम्हार बाड़ी कोथा है बांग्लादेश है। ऑल राइट राजू जी लेट्स सी मुझे लगता है कि ये मुकाबला आराम से जीतेगी ये टीम। 11 रन का रन रेट चाहिए कब मारेगा जी। छोटू जी अभी आपके पास मैक्स डाउड है यार और बेन कूपर आए हैं तो जैसा कि यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट यहाँ पर ज़्यादा चाहिए तो बेन कूपर ही इसी वजह से आए हैं। कोमिला ओके आशार्या जी बॉलिंग या यू कैन से बॉलिंग इज़ वेरी गुड। भाई अगर हम बात करें टारगेट उनके दिमाग में है
जो आखिरी विकेट निकाली थी भाई, अगर हम बात करें, जहूर खान ने विकेट निकाली थी, एक ओवर में 3 रन दिए उन्होंने और एक विकेट निकाला उन्होंने। ऑल राइट, जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल को गई सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। ऑल राइट, बताओ यार, इस मैच की बात करें तो 8 ओवर हो चुके हैं, 54 रन और एक विकेट के नुकसान पे 8 ओवर एक गेंद हो चुके हैं। 10 ओवर के अंदर राजू जी का एक और कहना है, एक और विकेट गिरेगा 10 ओवर के अंदर। लेट्स सी भाई, होप फॉर द बेस्ट, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो टीम है जॉनी जी, जो अगला मुकाबला है, आप बात करें ग्लोबल T20 की, तो टोरंटो नेशनल्स यहाँ पे गेंदबाजी कर रही है और उनके लैंडल सिमंस खेल रही हैं ब्रैम्पटन वूप्स की तरह उसे, और ब्रेंडन मैकेलम खेल रहे हैं, रोड्रिगो थॉमस हैं, युवराज सिंह है कैप्टन और हेनरिच क्लासन। तो ब्रैम्पटन वुल्फ्स मुकाबला जीतेगी भाई, दैट्स माय प्रिडिक्शन फॉर द कनाडा प्रीमियर लीग। कनाडा में ब्रैम्पटन वुल्फ्स जीतेगी, तो शायद ब्रैम्पटन विल विन। नवीन जी जो विकेट निकाला था आखिरी विकेट इस मैच का, पहला जो विकेट निकाला जहूर खान ने ही निकाला था पिछले ओवर में। मुराजी आप टेन भाई, बिल्कुल जॉनी जी, मैं 200% श्योर हूँ कि वही जीतेगा नीदरलैंड कोई। यार टेंशन क्यों करते हो, अभी नीदरलैंड जीतेगी यार। सुरेंद्र जी का कहना है यहाँ पे युवराज जीतेगा, मैं प्रिडिक्शन बिल्कुल भाई, युवराज आई ही इज़ प्लेइंग कैनेडा प्रीमियर लीग, आई लव हिम, बट प्रिडिक्शन इज प्रिडिक्शन, यू कैन से इट्स योर predictions, you see the players and you give your review, that's it. It's not like if I said Brampton is going to win, that's 100% for sure. You can also predict, you can also tell your views here. All right, tumhari dono ki Abhishek ji bilkul bhai, okay bhai doubt ko out kar, Saransh ji let's see bhai, doubt ko rehne do yaar। वसीम जी बिल्कुल, नीदरलैंड कैन विन फ्रॉम हियर बिकॉज इट्स 8.5 ओवर 60 रन्स एंड लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। एंड लेट्स टॉक अबाउट, दे नीड 122 मोर रन्स इन, दे स्टिल हैव 9 विकेट्स लेफ्ट एंड दे हैव 11.1 ओवर, सो आई थिंक दैट्स गेटेबल बिकॉज द रन रेट इज 10.92 रन्स पर ओवर। एंड All right, Saranj ji, okay, I don't know bhai. Sameem Ahmed ji, I think this game is going to win by Netherland. Bilkul Wasim ji, Netherland maar sakta hai, agar hum baat kare iske baad Zulfiqar hain, Sikander Zulfiqar, aur dono hi kafi acha khelte hain aur dekh sakte hain aakhri gend mein Max Dowd ne ek aur chauka lagaya, 9 overon mein 64 run pe pahunch chuki hai और एक विकेट केवल गिरा है। बेन कूपर यहाँ पे बल्लेबाजी करें, जाके काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर और काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं अगर बात करें इनकी तो। ओके मिश्रा जी अभी नहीं हुए भाई, अभी तो खेल रहे हैं यार, अभी खेलने दो उनको। और गाइस जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आप लोगों को मदद कर सकूं। और इसके अलावा देखें तो 9 ओवर 5 गेंदे हो गई हैं, 9 ओवर 1 गेंद हो गई है और 9 ओवर 1 गेंद पे आप देख सकते हैं 64 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। अगर हम बात करें 182 रनों की ज़रूरत है। आंचल रॉकस्टार कौन गया, जो पहला विकेट गया था आंचल जी वो थे माइबर्ग, और बिल्कुल वसीम जी मेरे ख्याल से आराम से मार लेगी ये टीम, काफ़ी अच्छी टीम है। ओके अर्जुन जी जो पहला विकेट गिरा है, जैसे बिल्कुल कीप साइलेंट गाइस। ओके 9 ओवर 2 गेंदें हो गई हैं,
64 रन एक विकेट के नुकसान पे है। 7/4 का रन रेट यहाँ पे चल रहा है और जो रन रेट चाहिए यहाँ पे 10 more than 10 रन्स पर ओवर दे नीड। तो आखिरी गेंद पे एक और सिंगल, 164 पहुँच चुके हैं 9 ओवर 2 गेंदों के बाद, 11 रन हर ओवर में चाहिए यहाँ से। तो सही जी बिल्कुल यहाँ पे यही टीम जीतने वाली है। आज का ग्लोबल T20 जो मुकाबला जीतेगी वो है ब्रैम्पटन वुल्व्स, क्योंकि ब्रैम्पटन वुल्व्स में अगर हम बात करें जॉर्ज मुंसी हैं, कॉलिन मनरो हैं, नीतीश कुमार है, इसके अलावा बाबर हयात हैं, शाहिद अफरीदी, लैंडल सिमंस, वहाब रियाज जो कि शानदार गेंदबाज हैं, इश शोडी हैं। अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी टीम है और गुलशन जी का कहना है यूएई इज़ गोइंग टू विन द गेम। लेट्स सी ब्रदर, माय प्रेडिक्शन इज़ विद दिस नीदरलैंड। एंड वसीम जी का कहना है वसीम जी आप कहाँ से हो वैसे? आई ऑल्सो लव अफरीदी, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। भाई जो स्कोर हो गया है 68 रन 9 ओवर 4 गेंदें हुई हैं एक विकेट के नुकसान पे, और जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं मैक्स आउट 44 रन पे 29 गेंदों का सामना करा है, 3 चौके और 2 छक्के लगा लिए हैं। जहूर खान 1.4 गेंदों में 7 रन दिया और 1 विकेट निकाला है। अहमद राजा की बात करें 2 ओवर में 16 रन दिए और कोई विकेट नहीं निकाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बेन कुपर, लेट्स सी भाई, ही इज़ अ वेरी गुड हार्ड हिटर बैट्समैन, इंडिया हैदराबाद, ओके। आई ऑल्सो लव शाहिद अफरीदी, इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। भाई स्टिल आई थिंक 70% नीदरलैंड हैव द चांसेस टू विन दिस गेम। अफगानिस्तान का मैच कब है भाई? जेम्स बॉन्ड जी, अफगानिस्तान का मैच आई एम नॉट श्योर भाई। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल वेन एवर अफगानिस्तान विल प्ले विथ एनी बडी, आई विल डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट दैट मैच एज वेल। सो अख्तर जी का कहना है इट्स प्योर क्रिकेट एंड नीदरलैंड विन दिस मैच। डेफिनेटली ब्रदर, आई ऑल्सो थिंक दैट नीदरलैंड इज गोइंग टू विन दिस गेम। और ट्रिपल आर 11 से ऊपर हो गया है, ओके। रन रेट रिक्वायर्ड रन गेट रेट की बात करें तो बिल्कुल 11.3 हो गया है, लेकिन स्टिल आई थिंक दे गोइंग टू विन दिस गेम। ओके सो 10 ओवर की समाप्ति हो गई है गाइज, आप लोगों को बता दूँ 10 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन एक विकेट के नुकसान पे 10, और अभी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं मैक्स आउट कर रहे हैं 44 पे, बेन कूपर 6 रन पे खेल रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 2 छक्के लगा चुके हैं मैक्स आउट और 3 चौके लगा चुके हैं मैक्स आउट। बेन कूपर ने 1 चौका लगाया है जो पहला विकेट गिरा था, पहला विकेट जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, पहला विकेट यहाँ पर आउट हुआ था स्टीवन माइबर का, उन्होंने 18 रन बनाए 22 गेंदों का सामना किया था, काफ़ी गेंदे उन्होंने ले ली, नहीं तो अब तक काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्टार्ट हो गया होता। ओके इट्स 113 नीडेड, थैंक यू सो मच दिप्यान जी फॉर अपडेटिंग। 113 नीडेड ऑफ 60 डिलीवरीज, सो 9 विकेट्स इन हैंड, नाउ दे कैन गो फॉर द बूम, नाउ दे कैन स्टार्ट हिटिंग द बॉल्स एंड दे कैन विन लॉट ऑफ, आई थिंक फ्रॉम हियर एज वेल दे कैन विन दिस गेम। भाई 15 के ऊपर जाएगा नहीं यार, आई थिंक इफ दिस गाइज आर प्लेइंग दे आर मैच्योर इनफ दैट दे विल नॉट, इट जस्ट द 2 or 3 प्लेयर्स टुक सो मेनी डिलीवरीज। इफ यू टॉक अबाउट ही प्लेड वेल, मैक्स आउट इज स्टिल प्लेइंग वेल, एंड इफ यू टॉक अबाउट जस्ट माइबर्ग टुक 22 डिलीवरीज जस्ट टू स्कोर 18 रन्स। रोशन जी बिल्कुल यार आप बने रहो, देखो आप यहाँ पे नीदरलैंड ही जीतेगा, डरिए मत भाई, बिल्कुल वही जीतने वाला है यार। ये तो है कि थोड़ा धीरे खेल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्स डाउट ही एक तरफ से बस अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है और दूसरी तरफ से काफ़ी स्लो बल्लेबाजी हो रही है अगर हम बात करें तो। आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग वेरी स्लो बिकॉज दे हैव 9 विकेट्स इन हैंड नाउ, आई थिंक दे शुड गो फॉर बूम मैन। रोशन जी नहीं दिखा सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, या
जोया चौहान जी का कहना नीदरलैंड नहीं जीतेगा। जोया जी बिल्कुल मुझे लगता है कि नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगा। चलिए आप बने रहिएगा मेरे ब्रॉडकास्ट पे और देखते हैं मैच के अंत में कौन जीतता है ये मुकाबला। हाँ जी अख्तर जी देख रहा हूँ डिंडिगुल का भी मुकाबला देख रहा हूँ मैं शाहिद, लेकिन रन रेट इंक्रीजिंग भाई। बिल्कुल रन रेट इज़ इंक्रीजिंग बट सुरेंद्र जी लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट बट ओके। जोया जी आप बने रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप भागिएगा मत मेरे ब्रॉडकास्ट से। लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू विन। और बता दूं आपको ब्रैम्पटन का भी मैच स्टार्ट हो गया है, 2 गेंदों पे 6 रन बन चुके हैं और मैकलैनिगन की गेंद पे छक्का लगा चुके हैं लैंडल लुइस लैंडल सिमंस। इस मुकाबले की बात करें तो काफ़ी स्लो बल्लेबाजी हो रही है। आई डोंट नो वाई दे आर प्लेइंग दिस, अब इतना स्लो तो यार आई डोंट नो वाई दिस गाइस आर प्लेइंग वेरी स्लो। ओके नेक्स्ट एडवर्ड्स कमिंग एग ओके लेट्स सी एडवर्ड्स मे बी ही कैन कम एंड चौका लगाया फाइनली गाइस, छक्का तो नहीं मारा लेकिन चौका यहाँ पे मार दिया है अहमद। राजा की गेंद थी ओ डाउड ने यहाँ पे 50 पूरे कर लिए हैं, 33 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके और 2 छक्के लगाए हैं यहाँ पे मैक्स डाउड ने। अहमद राजा ने 2 ओवर 5 गेंदों में 25 रन, काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं इस मुकाबले में। सो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरे कहने पर मैक्स डाउड को कैप्टन बनाया गया मस्ट बी देयर विनिंग्स लॉट ऑफ मनी इन ड्रीम इलेवन। रोशन जी आई स्टिल थिंक नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन। 182 है और ये लोग धीमा खेल रहे हैं भाई, धीमा इस वजह से खेल रहे होंगे क्योंकि इनके पास अभी भी 9 ओवर पड़े हुए हैं, तो आराम से अभी भी अब मेरे ख्याल से इनका जो स्कोरिंग रेट होगा वो आगे चलेगा। डाउट गोविंद जी का कहना बिल्कुल भाई, मुझे लगता है कि 100 से ऊपर बिल्कुल मारेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 50 के बाद ही पहला विकेट गिरा था, आई थिंक 50 स्कोर के बाद ही पहला विकेट गिरा था, तो मेरी वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई थी। 11 ओवर हो गए हैं, 79 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और टेक्निकल जय का कहना है यहाँ पे यूएई ये मुकाबला जीतेगी। चलिए देखते हैं टेक्निकल जी मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरी जो प्रेडिक्शन है इस मुकाबले का, नीदरलैंड के साथ ही मैं जाऊँगा। सो इट्स 11 ओवर्स गाइज एंड ज़हूर इज़ गोइंग टू बोल द नेक्स्ट ओवर एंड I'll do the commentary now. So 103 require in 54 balls and loss of 9 wickets. And Ankit ji, I don't know it's fixing or what, but I think they are a good team. They are a good side, I will say. So you can see it's they still need 103 runs in 9 wickets they have and 54 balls they have still. So let's see what's gonna happen. Manoj ji bilkul unke acche acche bowlers ke hi overs baki hain, lekin still I believe फाइनली भाई एक मैक्स डाउट एक और विकेट गिर गया, दैट्स अनफॉर्चुनेट आई विल से बिकॉज दिस इज द सेकेंड विकेट। मिड विकेट की ओर से और खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा फुल थी गेंद और यहाँ पे कैच आउट बोल्ड हो गए सुल्तान अहमद की गेंद पे। 35 गेंदों पे 51 रन बनाए और 4 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। But don't worry guys, they still have a good players. Farabi Ahmed, man, you... Okay, अब साहिद जी बिल्कुल अभी भी चांस है यार, जब तक आपकी टीम खेल रही हो तब तक आप ये ना बोलें कि हार सकती है। दे हैव गुड प्लेयर्स, दे हैव दे आर द नेक्स्ट बैट्समैन इफ आई विल टॉक अबाउट, आई थिंक स्कॉट एडवर्ड्स इज नेक्स्ट इन, सो ही इज़ अ वेरी गुड player if you have seen him in the T10 matches which has been played in Spain. All right, so guys if you just have came to my channel, if you guys have not subscribed, please subscribe and press the bell icon as well, so you will get the notification of my videos as well. Let's see the last wicket
we'll talk about Sultan Ahmed took the wicket and Max ODowd has been bowled out. So okay, bhai kaun jeetega? Ravi Kumar ji, my prediction is with Netherland. Okay, Raja King ji, there is no possible way that I can show you the live streaming for this game. Otherwise, I should have been showing the live streaming for this game, but I'm not able to show you, so that's why I'm showing the scorecard with the commentary. So that's a good thing, man. You're not able to watch this anywhere else. Okay, so it's 2 wickets now. I think they need 11.88 runs per over in every over. They have 8 overs left, so let's see what's gonna happen. Ben Cooper is playing with 10 runs and out of 11 balls. Scott Edwards is the other end. He has scored 2 balls in 2 runs. Okay. Govind ji, main isliye keh raha hu kyunki I don't change teams in the beginning of the match. I said Netherland is going to win, so I will support him till the last. It doesn't matter that they are playing bad or they are playing good. It's not like jab toss hua tha tabhi maine bola tha ki ye mukabla Netherland jeetegi. So it's not like in the middle of the innings I came Netherland can lose their game, but Netherland har jayegi uske baad agar main yahan pe karunga to that's not good, that's not fair at all. Okay, Santosh ji, bilkul Netherland is going to win this game. And anyone of you has not subscribed my channel, guys, please subscribe and press the bell icon as well. Okay, Habib ji ka kehna kaun jeetega? Habib ji, this match is going to win by Netherland. Jo bhai aakhri jo wicket gaya tha, aakhri jo wicket liya tha, Sultan ne banne ke liya tha, bold kara tha aakhri wicket. Okay, so you're welcome, Santosh ji. आप सबका वेलकम है जिन जिन लोगों ने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन करा है और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि अब जो मैच स्टार्ट होने वाला, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है यहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हैं 8 ओवर अभी भी बचे हुए हैं और 8 ओवर में यहाँ पर नीदरलैंड को एक काफ़ी ज़्यादा रन चाहिए, 93 रनों की ज़रूरत है, 8 विकेट हाथ में है. जो आखिरी गेंद पर यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, पिछले ओवर की आखिरी दूसरी गेंद पर छक्का लगाया था बेन कूपर ने, तो आप देख सकते हैं अभी भी होप है. एंड शरण मिश्रा जी कह रहे हैं थैंक्स, थैंक यू, यू वेलकम भाई. और प्रशांत श्रीवास्तव सेज यूएई इज गोइंग टू विन. ओके लेट्स सी. राज माथुर जी कह रहे हैं यहाँ पे नीदरलैंड जीतेगी, सो मुझे भी लगता है यहाँ पे नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगी. ओके ओके थैंक यू सो मच संतोष भाई. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस गेम, इट्स 12 ओवर्स एंड ओके भाई थैंक यू जुड़ने के लिए मेरे चैनल को एक बार फिर से. कूपर आउट हुए. ओके शिवा भाई कौन जीत रहा है? रिची चंद्रू जी हाय भाई कैसे हो आप? कूपर मैच जिताएगा, बिल्कुल कूपर यहाँ से जिता सकता है मैच, क्योंकि कूपर और एडवर्ड्स दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं. स्पोर्ट्स टीवर जी वेलकम, आपका स्वागत है. मैं आपको बनाता हूँ मॉडरेटर का कि ये आई थिंक सो हमारे पास 2 मॉडरेटर्स हो गए. और आकाश जी का कहना है कौन जीत रहा है भाई? यहाँ पे एक और छक्का बेन कूपर ने लगाया है, तो अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये गेम नीदरलैंड से अभी भी नहीं गया है. जोया जी अगर आप लाइन पर हैं तो आप यहाँ पर कॉमेंट कर सकती हैं. सो नीदरलैंड विल विन. आकाश जी का कहना है यहाँ पे नीदरलैंड विल विन डेफिनेटली. लेट्स सी भाई, कोई बात नहीं अजीत भाई, मैं करूँगा आपको थोड़ी देर में मैच ख़त्म होने के बाद. रोशन जी की अगर बात करें तो हम यहाँ पे 6-6 विकेट कौन लिया? विकेट भाई जो आखिरी विकेट गई थी वो एक और चौका गई. सो दैट्स इंटरेस्टिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. जो पिछला विकेट गया था सुल्तान ने लिया था, एक बोल्ड कर दिया था भाई. आकाश भाई मैंने बताया था यार कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि नीदरलैंड का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. और काफ़ी लोग कह रहे थे कि यहाँ पे यूएई जीतेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन बताई थी कि नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगी. और
I'm from वाराणसी, from यूपी ब्रदर. वेर आर यू फ्रॉम? संतोष भाई. भाई रोशन जी बिल्कुल मारेंगे यार, अब टेंशन क्यों ले रहे हो. जैसा कि सुरेंद्र जी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो अभी भी, तो आप प्लीज़ तेलंगाना. ओके ग्रेट. वेल इफ़ वेलकम टू तेलंगाना, डेफिनेटली आई विल बी कमिंग टू योर प्लेस मैन. थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर सब ज्वाइनिंग, एंड प्लीज़ ब्रदर सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइज. इफ़ यू हैव वॉन्ट टू आई मीन वॉच द लाइव स्ट्रीमिंग एंड लाइव मैचेस एंड एवरी थिंग लाइक ड्रीम इलेवन टीम, सो आई हैव अ फ्रेंड, ही ऑल्सो मेक्स यूट्यूब वीडियोज. हिज नेम इज़ अजीत. ही हैव अ नेम ऑफ चैनल ऑफ स्पोर्ट्स ट्यूबर कड़प्पा. ओके मारो. 12/3 गेंदे होंगे, 99 रन और 2 विकेट के नुकसान पे. थैंक यू सो मच संतोष जी. यहाँ पे मिनाज का कैसा. चलिए भाई कौन जीतेगा. अरूप जी मैं तो कह ही रहा हूँ यार, नीदरलैंड जीतेगी. नीदरलैंड जीतेगी भाई लोग. पिंडा वाली मंदिर जी, मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊँगा डेफिनेटली इस ओवर के बाद. सौरभ जी ये मुकाबला जो जीतेगी नीदरलैंड की टीम. आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, तो गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल. ओके मिनाज यूएई, नॉट यूएई बिकॉज शाहिद डोंट वरी. आई थिंक ये नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन दिस मैच. एंड कौन विकेट लिया दूसरा विकेट की बात करें तो सुल्तान अहमद ने विकेट लिया था. रिची आई थिंक द नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन दिस गेम. कितना ओवर में जीतेगा भाई. 20वें ओवर तक जाएगा ये मुकाबला. 83 मोर रन्स नीडेड, 8 विकेट्स एंड 45 बॉल्स इज रिमेनिंग. सिंगल विकेट कौन लिया. आदित्य जी जो दूसरा विकेट गिरा था वो है अभी अभी आउट हुए थे. एंड भाई मुस्तफ़ा का आई एम नॉट श्योर मुस्तफ़ा इज़ गोना गेट विकेट और नॉट बिकॉज बेन कूपर एंड स्कॉट एडवर्ड्स बोथ आर प्लेइंग रियली वेरी वेल. एंड आप लोगों ने अगर अभी अभी ज्वाइन करा है मेरे चैनल को, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल आइकन एंड प्रेस द बेल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो यू गाइज विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल. और जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन करी थी, आप लोगों को बताया भी था कि ये मुकाबला जो जीतने वाली है टीम वो है नीदरलैंड की टीम. आप देख सकती हैं काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि नीदरलैंड ये मुकाबला नहीं जीतेगी, लेकिन यू गाइस कैन सी हियर नाउ नीदरलैंड आर गो डूइंग रियली वेरी गुड इन द लास्ट इन दिस ओवर आई विल से. और थैंक यू सो मच शारिया खान जी. वाइड यूएई वन मैच टुडे. गुलशान सेज यूएई इज़ गोइंग टू विन. लेट्स से भाई, लेट्स सी. आई थिंक दिस गेम इज़ गोइंग टू विन बाय नीदरलैंड, दैट्स माय प्रेडिक्शन. और अजीत जी का कहना है ब्रैम्पटन विंस. सेकंड विकेट कौन बॉलर लिया. भाई आदित्य जी अभी मैंने बताया था आपको, सुल्तान अहमद ने विकेट लिया है दूसरा विकेट और उन्होंने बोल्ड करा था. ऑलराइट, बेन कूपर इज़ प्लेइंग. ही हैज़ 17 गेंदों पे 30 रन बनाकर खेल रहे हैं. और हाँ जी रिची जी बताओ आप, क्या क्वेश्चन है आपका, कौन जीतेगा आउट. और बहुत सारे हैं यार अभी भी मारने वाले. और चलिए 12/5 गेंदे हुई है, 104 रन 2 विकेट के नुकसान पे. बेन कूपर 31 पे खेल रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किया है. स्कॉट एडवर्ड्स 3 पे खेल रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है. 13 ओवर की समाप्ति पे 105 रन, 11 रन रिक्वायर्ड रन रेट है. और जो करंट रन रेट चल रहा है वो है 8 का. 51 पे रन बने हैं पिछले 5 ओवरों में, तो काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट यहाँ पर अगर हम बात करें तो. ओके सो अब देख सकते हैं बॉलिंग अभी जो कर रहे हैं यहाँ पे आखिरी जो अब जो बॉलिंग करने वाले रोहन मुस्तफ़ा बॉलिंग करने वाले हैं भाई. रोहन मुस्तफ़ा करने वाले हैं इसके बाद गेंदबाजी. और लेट्स सी ब्रैम्पटन वुल्व्स थोड़ा और ऊपर. भाई मैं आपको बता रहा हूँ संजय जी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल टेल यू. ओके गाइज बताओ कौन जीतेगा. शिवम जी आई एम विथ नीदरलैंड, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज. Lot of my people ask that why do you think that Netherland still is going to win. This is the reason that I predicted this player, this Netherland is going to win this game. Okay sir, tuition le le. Exactly bhai. Okay maybe bhai bowling abhi Rohan Mustafa ji kar rahe hain. Rohan Mustafa ne yahan pe
दो ओवर एक गेंद करी है और 9 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं लिया है। और नवीद की बात करें तो 3 ओवर में 28 रन और कोई विकेट नहीं लिया। हाँ, आखिरी विकेट यहाँ पे सुल्तान अहमद ने विकेट लिया था। ग्लोबल T20 आई थिंक आकाश ब्रैम्पटन वुल्व्स इज गोइंग टू विन। एंड गाइज प्लीज़, इफ यू गाइज हैव जस्ट ज्वाइन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो यू गाइज विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू नो फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग अपडेट्स एज वेल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, यू गाइज कैन सी हियर नाउ रोहन मुस्तफ़ा के कितने ओवर हो गए भाई। ये तीसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच भाई MD साहिदुल जी। तो 105 रन बन चुके हैं 13 ओवर की, 13 ओवर दो गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। और जोया जी अभी भी आप लाइन अगर हैं मेरे ब्रॉडकास्ट पे तो आप कमेंट करिए, आई थिंक वी नीड योर कमेंट। इट्स बिन या मैन, यू कैन बी रेडी फॉर दैट संतोष जी। यू कैन से योर फ्रेंड लाइक नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन दिस गेम। महेश, नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन दिस गेम, दैट्स माई प्रडिक्शन। ओके, सो दैट्स दी अनदर कॉमेंट वी हैव हायर। सो एक और विकेट यहाँ पे कूपर आउट हो गए हैं भाई। लेट्स सी के रोहन, ओके नाउ यू कैन सी स्कॉट एडवर्ड्स के बाद अब यहाँ पे एंटोनियस स्टॉल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि एक ऑलराउंडर हैं, तो आई थिंक इसलिए इनको ऊपर भेजा गया है। ओके, सो आज कौन जी अफजल जी, आई थिंक इन दिस मैच नीदरलैंड इज गोइंग टू विन। कोई बात नहीं, लेट देम वेस्ट माई टाइम, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। ओके, सौरभ जी कह रहे हैं अभी नहीं जीतेगा, अरे वाह क्या हुआ। सुमित, नीदरलैंड इज गोइंग टू विन, कब मारेगा अब भाई। अभी मारी तो रहे यार, 13 ओवर 3 गेंदें हुई हैं, 77 रन की ज़रूरत है 7 विकेट के नुकसान पे। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी चल रही है। तीसरा विकेट जो आखिरी विकेट गया था वो अगर हम बात करें तो आखिरी विकेट बेन कूपर का आउट हुआ था और रोहन मुस्तफ़ा ने आखिरी विकेट निकाला है, बेन सुल्तान अहमद ने कैच पकड़ा था। डिफ़िकल्ट नाउ, वेल ट्राइड नीदरलैंड्स। या भाई अभी भी 70% मैं दूंगा क्योंकि एडवर्ड मार रहा है, एडवर्ड है भाई। ओके, सो अरूप जी का कहना क्यों नहीं मार रहा। अरूप जी अब मारेगा क्योंकि कूपर खेल रहा था, कूपर एक तरफ से मार रहा था, दोनों साइड से आपको हिटिंग देखने को अभी भी क्रिकेट में नहीं मिलेगी। सो इस वजह से एडवर्ड नहीं मार रहा था, अब एडवर्ड की भी बारी आएगी। अब तो अब यहाँ पे एडवर्ड, इसी वजह से यहाँ पे एंटोनियस स्टॉल को भेजा गया ऊपर क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छे हिटर हैं अगर बात करूँ मैं इनकी तो। और बता दूँ आप लोगों को, इनकी जो ये पहला ही मुकाबला खेल रहे हैं और इन्होंने डोमेस्टिक मुकाबलों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा हुआ है। ओके, इफ़ यू गाइज हैव जस्ट ज्वाइन माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज दिस मैच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। एंड ओके, सो एक और चौका यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी भी बात हो रही थी हमारी कि स्कॉट एडवर्ड्स क्यों नहीं मारे, तो गाइज यू कैन सी अ बाउंड्री हैज बीन स्कोर्ड बाई दैट प्लेयर। सो सारण मिश्रा जी, मुस्तफ़ा ने एक विकेट निकाल दिया तो नाउ आई थिंक यू शुड बी हैप्पी। माइबर्ग मारा ही नहीं, 130 से ज़्यादा होता अभी, बिल्कुल सही बात है। अगर माइबर्ग ने मारा होता तो अब तक 150 के करीब होते या फिर 130 के करीब तो डेफिनेटली पहुँच ही गए होते। और गाइज बता दूँ आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। इट्स 14 ओवर्स, 112 रन्स एंड 3 विकेट्स। नीदरलैंड स्टिल नीड 70 रन्स इन 6 ओवर्स, सो द रन रेट इज़ 11.66। And the next bowler is going to bowl by next over by Ahmed Raza. He has given 26 runs in 3 overs. A very good sweeper, yeah. Share India. Shahid ji, 36 gendon pe 70 run. बिल्कुल सही कहा आपने. Let's see. बिल्कुल, इस ओवर में देखिए आप, पहली गेंद पे यहाँ पे सिंगल आया और अब यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स आए हैं, तो स्कॉट एडवर्ड्स यहाँ पे मेरे ख्याल से
ट्राई डेफिनेटली करेंगे चौका और ये छक्का लगाने का, मैं बता दूँ आप लोगों को। और 113 रन हो चुके हैं अब फाइनली। यहाँ पे दूसरी गेंद, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। रोहन मुस्तफ़ा ने पिछला विकेट निकाला था, मोहित जी। अमन जी, अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो यहाँ पे नीदरलैंड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि ये मुकाबले जीतेगी। और जिन जिन लोगों ने गाइस सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को मेरे वीडियोस का लाइव आने का। तो जितने भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हु विल विन, गेमर का कहना है नीदरलैंड विल विन दिस गेम, दैट्स माई प्रडिक्शन गाइज़। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। आई एम नॉट श्योर द वे दिस गाइज आर प्लेइंग, एनीथिंग कैन हैपन। वन और टू प्लेयर्स आर प्लेइंग रियली वेरी वेल, बट सडनली दे आर कमिंग अ वेरी स्लो। ओके सो एक ओवर में 20 रन, आदित्य जी का कहना है स्कॉट ओवर कौन डाल रहा है भाई, जो अभी ओवर डाल रहे हैं। यहाँ पे एक और चौका, अहमद राजा यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, स्वीप करी थी इस गेंद को और सीधा परफेक्शन के साथ, अगर हम बात करें बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद 4 रनों के लिए चली गई। अब शेर इंडिया जी का कहना है आउट, वेंकटेश्वर आओ। वेल लेट्स सी। रोशन जी बिल्कुल चौका मारा है यहाँ पे। और कुशल जी, माई प्रिडिक्शन इज़ विथ स्टिल विथ नीदरलैंड। सो 14 ओवर 4 गेंदे हो गई हैं, 118 रन और 3 विकेट के नुकसान पे। अभी काफ़ी सारे विकेट पड़े हुए हैं, आई डोंट नो वाई दे आर नॉट हिटिंग द बॉल्स लाइक दे शुड हिट। ओके दीपेंद्र का कहना है बिल्कुल भाई, आई थिंक दिस गाइज आर प्लेइंग वेल बट आई डोंट नो वाई दिस गाइज आर प्लेइंग वेरी स्लो। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन भाई। अभी जो बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे अहमद राजा गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 ओवर 4 गेंद में 32 रन दे चुके हैं। इज़ दैट अ स्मॉल ग्राउंड? एग्जैक्टली ब्रदर, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल ग्राउंड। इट्स लाइक 65 एंड 60, आई थिंक आई विल से 60 to 68 मीटर बाउंड्रीज आर देयर इन नीदरलैंड। सो आई थिंक इफ समवन इज़ वॉन्ट टू स्कोर अ बाउंड्री और सिक्स, दे कैन ईजिली स्कोर इन ऑन दिस ग्राउंड। आई मीन या रन रेट इज़ लाइक ओनली 12 रन्स दे स्टिल नीड्स। शेयर इंडिया मे बी दे कैन विन बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी टेंस गेम। इट्स 14.5 ओवर्स, 119 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओके एडवर्ड्स क्रिकेट होना ऑल राइट। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आए हैं वो हैं यूएई के फॉलोअर्स। भाई जाहूर के कितने ओवर लेफ्ट हैं? अगर जाहूर की बात करें, जाहूर ने अभी मेरे ख्याल से 2 ओवर और ही उनको गेंदबाजी करनी है, तो आई थिंक अभी जाहूर ने 2 ओवर की गेंदबाजी करी है, 2 ओवर में 8 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला है। तो 121 हो चुका है 15 ओवर की समाप्ति के बाद। और शेयर इंडिया जी, आप मेरे चैनल को UAE will win. Okay, let's see. Lot of people are saying now UAE is going to win. And guys, if you guys have not subscribed my channel, please subscribe and press the bell icon. If you guys 30 balls, 61 runs needed. मुस्तफ़ा के भाई अगर हम बात करें तो मुस्तफ़ा का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर कर चुके हैं, 3 ओवर में 16 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला है। ऑल राइट रोहन मुस्तफ़ा ने विकेट निकाला था कूपर का भाई। आकाश जी का कहना नीदरलैंड जीत गई है। राइट अफजल जी, आप आसाम से हो, दैट्स ग्रेट भाई। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम गाइज, बिकॉज द वे दिस गाइज आर प्लेइंग दैट्स जस्ट अमेजिंग। यू गाइज कैन सी हाउ टेंस दिस गेम इज़ नाउ। आई मीन इस ओवर में अगर यहाँ पर 10 या 15 रन बन जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर नीदरलैंड के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो दैट मीन्स दे गोइंग टू स्ट्रगल टू गेट दे स्कोर, बिकॉज फर्स्ट बॉल जस्ट अ सिंगल। आई डोंट नो वाई दे हैव सेंड दिस गाई, दिस गाई इज़ अ गुड प्लेयर बट आई डोंट नो वाई इज़ नॉट हिटिंग द बाउंड्रीज। ऑल राइट, नहीं तो मुश्किल लग रहा है।
राइट, अब देखते हैं गाइस कितने लोगों को लगता है नीदरलैंड ये मुकाबला अभी भी जीत सकती है और कितने लोगों को लगता है ये मुकाबला यूएई जीत चुकी है। प्लीज़ कमेंट गाइस। और बॉलर अभी जो गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुल्तान अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं। इन्होंने तीन ओवर दो गेंदों में 39 रन दिया है और एक विकेट निकाला है। तो अभी भी संतोष जी को नीदरलैंड, बिल्कुल भाई आई थिंक नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन। सो अगली गेंद की अगर हम बात करें तो चौका लगाया है और काफ़ी अच्छा स्वीप करा था कि वो स्वीप शॉट ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे खेल रहे हैं एडवर्ड्स और थर्ड मैन की तरफ वाइड थर्ड मैन की तरफ गेंद चली गई चार रनों के लिए। यहाँ पे एडवर्ड्स ने एक और सिंगल निकाला तीसरी गेंद पर और चौथी गेंद पर एक और सिंगल डीप कवर की तरफ है। हाँ, स्टॉल ने एक और सिंगल। आमिर जी ये मुकाबला मेरे ख्याल से यही टीम जीतेगी नीदरलैंड। मोहम्मद इरफान जी बिल्कुल आपने सही कहा, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी अगर इस मुकाबले की बात करें तो, और यहाँ पे दोनों में से कोई ट्राई भी नहीं करा। स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें तो स्कॉट एडवर्ड्स केवल स्वीप शॉट खेल रहे हैं, दैट्स नॉट गुड इनफ टू स्कोर बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। ऑल राइट एंड गाइज, अगर आप लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। रोशन जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उनको एक रन मत लो यार, लेकिन वो लोग मान कहाँ रहे हैं। अफजल जी आई एम फ्रॉम यूपी फ्रॉम वाराणसी। स्कोर एमडी नासिर जी, नाउ दे नीड 100 एंड अनदर 54 रन इन 24 बॉल्स। सात विकेट अभी भी हाथ में है सुल्तान अहमद के। चार ओवर हो चुके हैं, चार ओवर में 35 रन बन चुके हैं और सॉरी अहमद राजा के चार ओवर में 35 रन हो चुके हैं, बना दिए हैं उनके ओवर में। और सुल्तान अहमद की भी बात करें तो चार ओवर में 42 रन और एक विकेट यहाँ पे उनके जा चुके हैं। ओके, सो अब देख सकते हैं। और गाइज, जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाते रहिएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस की। बिल्कुल भाई, मुझे भी लगता है ये नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगी, जो मेरी प्रिडिक्शन लगती है इस मुकाबले के लिए। और आप देख सकते हैं 130 रन चार ओवर अभी भी बचे हुए हैं, 52 रनों की ज़रूरत है, तो आई थिंक दैट्स अ बिग टास्क। और अगर ये ओवर में 20 रन बन गए तो मज़ा आ जाएगा, 10 रन भी अगर बन गए या फिर 15 रन भी बन गए तो काफ़ी अच्छा स्कोर होगा इस मुकाबले इस गेम के लिए। तो आप देख सकते हैं वन बिग ओवर फेवर नीदरलैंड, यूएई नीड 6-4। 16 ओवर अभी जो स्ट्राइक पे, यहाँ पे स्टॉल यहाँ पे स्ट्राइक पे है और तीन बॉल पे विकेट आएगा। और रोहन की एक ओवर और बचा है, रोहन यहाँ पे गेंदबाजी मेरे ख्याल से करने आने वाले हैं। मोहम्मद नवीद गेंदबाजी करने आने वाले हैं, तीन ओवर में 28 रन दे चुके हैं। रोशन जी बिल्कुल देखते हैं, लेट्स सी, आई थिंक दिस गेम इज़ गोइंग टू गो टिल दी लास्ट ओवर एंड दिस गेम इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। डोंट गो एनी वेयर गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू गाइज हैव नॉट सब्सक्राइब एंड एनी। ओके, सो आप देख सकते हैं वेंकटेश राव जी का कहना है यहाँ पे। सो 16वें ओवर की समाप्ति के बाद थोड़े से आई थिंक चेंजेस, 16 ओवर एक गेंद हो चुकी हैं और पहली गेंद पे कोई रन नहीं, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। नवीद यहाँ पे काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। विजय जी, इट्स नॉट लाइक टिंकू जी जो स्कोर बात करें स्कोर की, तो आप मैं आपको इस ओवर के बाद पूरा स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। और यूएई और नीदरलैंड में हु विल विन, शेयर इंडिया आई थिंक स्टिल आई विल से नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन। जो गेंदबाजी अभी कर रहे हैं वो है मोहम्मद नवीद, तीन ओवर दो गेंदे हो चुकी हैं और 30 रन दे चुके हैं उन्होंने। स्टीलर का भाई, अब स्टीलर आया या ना आया अब तो कोई यार कोई फ़ायदा ही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि दोनों के दोनों काफ़ी स्लो खेल रहे हैं, क्योंकि स्टॉल जो काफ़ी अच्छा खेलता है आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट में, इस वजह से इसको ऊपर भेजा गया था, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज़ प्लेइंग वेरी स्लो। और यूएई, संतोष जी का कहना यूएई इज़ गोइंग टू विन अनदर सिंगल, आई डोंट नो व्हाई दिस गाइज आर टेकिंग सिंगल, बट
दे आर टेकिंग इट, सो दैट्स, आप देख सकते हैं स्कोर अभी भी चाहिए, 50 रनों की ज़रूरत है, 7 विकेट हाथ में, 22 गेंद अभी भी इनके हाथ में है। कीर्तन कुमार, देर इज़ नो वेदर यू कैन वॉच द मैच ऑफ दिस, यू कैन वॉच द लाइव ऑफ दिस गेम, बट यू कैन वॉच द गेम हियर एंड यू कैन इन्जॉय माई कॉमेंट्री एज वेल। डेफिनेटली भाई, कौन से मैच का ड्रीम इलेवन टीम चाहिए मैं आपको बता दूंगा। स्टॉल यार पता नहीं क्यों, वो मुझे समझ ही नहीं आया, 10 गेंदों में उसने 9 रन खेले हैं और इतने धीरे खेल रहा है कि आई डोंट नो, आई थिंक इस वजह से नीदरलैंड यहाँ पे गेम हार सकती है जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहा है। और गाइस, जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोग नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, 16 ओवर 3 गेंदे हो गए हैं, 134 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और नीदरलैंड की ओर से अगर हम बात करें तो नीदरलैंड की ओर से अभी भी स्कॉट एडवर्ड्स और एंटोनियस स्टॉल खेल रहे हैं, 9 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना किया। एडवर्ड्स की बात करें तो 20 रन पे खेल रहे हैं, 12 गेंदों का सामना किया, 3 चौके। मोहम्मद नवीद गेंदबाजी कर रहे हैं, नवीद ने यहाँ पर 3 ओवर 3 गेंदों में यहाँ पर 32 रन दिए हैं। ओके, हाँ बिल्कुल यार, दोनों में से कोई नहीं मार रहा है, आई डोंट नो व्हाई दिस गाइज आर इवन प्लेइंग हियर। अभी भाई बोल मोहम्मद नवीद कर रहा है, तो आई थिंक सो अभी आपको, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि ये मुकाबला अभी भी नीदरलैंड जीत सकती है गाइज, यू गाइज कैन कमेंट एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ अस। यार पता नहीं क्यों नहीं शर्म आता इन लोगों को, आई थिंक दे शुड गेट शेम ऑफ दिस बट दे स्टिल डूइंग इट। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं नीदरलैंड अभी भी लगता है रोशन जी को जीतेगी। रोहन ने ओवरस्लेप्ट, वन मोर ओवर ऑफ रोहन मैन, लॉट ऑफ पीपल स्टिल थिंक दैट नीदरलैंड कैन विन दिस गेम। सो फाइनली एक और सिंगल, 48 रन इन 21 बॉल। ओके, सो दिस गेम इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम गाइस, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ। ओके, कोई दोनों में से नहीं मरा, 16 ओवर 5 गेंदें हो गई हैं और 137 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पिछले गेंद पे बात करें तो 2 रन निकाले थे, स्टॉल बल्लेबाजी कर रहे हैं और कवर की साइड में 2 रन दिए थे। अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा गए थे पहले इनिंग्स में, सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम दैट these guys are going to face in this innings because the way these guys has played. Oh, I think Netherland need wickets. Okay, maybe I don't know they need wickets or what, but the way these guys are playing, that's not good at all. So let's talk about this game now guys. 17 ओवर हो गए हैं, अभी भी 43 रनों की ज़रूरत है। हाय विश्वनाथ दास जी, एंड एनी वन ऑफ यू हैज़ जस्ट जॉइन माई चैनल एंड हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो यू गाइज विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ वेन एवर आई विल कम लाइव। ओके सतीश जी, लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू विन, नॉट श्योर, आई मीन आई प्रिडिक्टेड नीदरलैंड्स, बट गणेश जी बिल्कुल जीतना यहाँ से तो बिल्कुल मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे गेंदबाज इनके पास पड़े हुए हैं, सो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी। 17 ओवर, जो अगला ओवर यहाँ पे जहूर खान यहाँ पे 2 ओवर करेंगे, तो लेट्स, दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज द वे दिस गाइज आर प्लेइंग, दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड द वे दिस गाइज आर प्लेइंग। आई मीन दिस गाइड शुड हैव सम कॉमन सेंस दैट दे शुड प्ले बिट फास्ट द वे दिस गाइज आर प्लेइंग। ओके सो आप, थैंक यू सो मच हरी बाबू जी, आई थिंक इट्स 17 ओवर्स एंड नाउ यू गाइज कैन सी इट्स नेक्स्ट बॉलिंग ऑप्शन इज ज़हूर खान, ही विल बोल नेक्स्ट दिस ओवर। सो फाइनली अनदर सिंगल, ओके जॉनी भाई, लेट्स सी भाई कौन जीतेगा। आई थिंक मैंने तो प्रिडिक्शन कर ही दिया है, तो
It's no way that I can change my prediction anytime, anywhere, any. Okay, bhai, tujhe aur Ashwin har baar dala diya. Okay, who is bowling? Right now the bowler is Zahoor Khan. He has bowled 2.2 overs, 10 runs and 1 wicket. So let's see. Now this is going to be very interesting, guys. एक और सिंगल आई थिंक इन लोगों को आउट होकर चले जाना चाहिए. द वे दिस गाइज आर प्लेइंग दे शुड गो एंड सिट होम मैन. बेस्ट ऑफ क्रिकेट, वेलकम टू माई ब्रॉडकास्ट मैन इफ यू फ्रॉम पाकिस्तान. एंड बॉलर नेम इज ज़हूर खान. ही इज़ बॉलिंग द this over and he has took one wicket in this is the third over that he is bowling, and I will say he has bowled really very well. Okay, teesri gend pe finally ek chauka lagaya hai. Okay, no bhai, abhi bhi main nahi kahunga Netherland. Now I give up. Roshan ji, don't give up man. Okay, Nayan kaun jeeta bhai, abhi bhi 41 रनों की ज़रूरत है और 16 गेंद अभी भी हैं. तो जहाँ तक मुझे पता है इनके बारे में, स्टॉल के बारे में, इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन. इफ़ ही स्टार्ट हिटिंग द बॉल्स ही कैन हिट लाइक 2-3 sixes इन वन ओवर. लेट्स सी इफ ही कैन. भाई जॉनी जी, ये मुकाबला अभी भी नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगी. सो अनदर बाउंड्री गाइज. ओके ओके, लेट्स सी, दिस is going to be a nail biting finish guys. Bhai don't give up man. Now they need 33 runs in the 14 balls. If they can score another 2 boundaries in here, they will be like winning the game very easily. Okay guys, bowling kaun kar raha hai? Bhai bowling Zahoor Khan kar rahe hain. Dream 11 kaun sa game? और चलिए बता दूं मैं आप लोगों को गाइज, अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस की. ज़हूर खान की दो लगातार गेंदों पे, एक तो कवर रीजन की तरफ चौका मारा था, ड्राइव करा था, और एक पुल शॉट पर चौका मारा है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि कभी कह देते हैं नीदरलैंड, कभी कह देते हैं UAE, बट जो मेरी प्रिडिक्शन है सौरभ जी, इसके बाद एक और बॉल है. तो सो पांचवी गेंद यहाँ पे देखते हैं, पांचवी गेंद पे क्या होता है. पांचवी गेंद पे एक और चौका लग गया तो आई थिंक नीदरलैंड के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे. हु इज़ विन प्रो, वेल माई प्रिडिक्शन इज़ विद नीदरलैंड एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन दिस टू बॉल्स. फेडन केसी सेज चाइना विल बीट UAE. लेट्स सी मैन, UAE they played really well. I think another couple of runs in the fifth delivery. शैलेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा, स्टॉल जो है अपने आप को धोनी पता नहीं क्या समझ रहा है, धोनी और शाहिद अफरीदी दोनों समझ रहा है आई थिंक. भाई बेस्ट क्रिकेट जी. चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई. सब्सक्राइब कर लेना आप मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि अगली बार मैं आऊँ आपको. तो मीना सीशा, मीना आई थिंक दिस गेम आई स्टिल बिलीव दैट नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन बिकॉज दे नीड 30 मोर रन्स इन नेक्स्ट 12 डिलीवरीज. सो आई विल से नीदरलैंड, दैट्स माई व्यूज़. यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट योर विज हु इज़ गोइंग टू विन. ओके सो अब कौन विन होगा? डॉट भाई यहाँ पे विन तो जैसे मैंने कहा कि मेरी जो प्रेडिक्शन है नीदरलैंड ही जीतेगी. बिल्कुल T10 में जो काफ़ी अच्छी पारी खेली थी इन्होंने, और पाकिस्तान UAE में पाकिस्तान जीतेगा भाई. ये मुकाबला UAE जीतेगी भाई. और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ का. अब देख सकते हैं 152 रन हो चुके हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है क्योंकि इंग्लैंड अंडर 19 में 3 रनों से जीती थी इंडिया अंडर 19 के साथ जो मुकाबला हो रहा था. अब यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू विन. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नेल बाइटिंग फिनिश. इट्स 18 ओवर्स. ज़हूर खान हैज़ गिवन
12, 14, 15 runs in the last over. So now they have a very good chance to win this one. And let's see, 13 runs in the last over. So I'm sorry for that. So they need 15 runs in every over. And what do you guys think? I mean, how many of you think that still Netherland, and who is going to win this game? Guys, please predict and comment in the comment section. Saurabh ji ka kehna hai Edwards jita dega match. Let's see, man. I hope Edwards play well here. So ek aur single, do gendon mein do run yahan pe. Roshan pata nahi yaar kyun nahi maar rahe yaar. I think Samar bhai abhi bhi main yaar pata nahi, ye I think is gend pe chauka ya chakka lagna chahiye teesri gend pe. That will be very good if a Netherland can score a boundary or a six in this delivery. नाउ तीसरी गेंद की अगर हम बात करें तो तीसरी गेंद अभी हुई नहीं है, और जो गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर रोहन मुस्तफ़ा इज़ बोलिंग द लास्ट ओवर ऑफ हिज कोटा. ओके, नयन जी का कहना है कैसे जीतेगा भाई. लेट्स सी, अभी भी भाई इट्स अप टू यू. यू कैन गो विथ एनी बडी, यू कैन गो विथ यूएई एंड यू कैन गो विथ यूएई आई बिलीव. समर भाई 9 बॉल बचे हैं और 154 रनों की ज़रूरत है. अरे पता नहीं यार, स्टॉल को पता नहीं क्यों भेजा यार. आई थिंक स्टॉल यहाँ पे मैच हराने के लिए आया था, आई थिंक मेरे ख्याल से. तो गाइज फाइनली एक विकेट यहाँ पे गिरा है और एडवर्ड्स आउट हो गए. तो स्वीप एक बार फिर से करना चाहते थे और बोल्ड हो गए इस बार. तो वेल आई एम फ्रॉम यूपी, फ्रॉम वाराणसी. प्रशांत सेज यूएई विन. या मैन, आई थिंक आई शुड गिव अप नाउ बिकॉज द वे दिस गाइज आर प्लेइंग, दिस इज जस्ट रिडिकुलस द वे दैट पर्सन प्लेड. व्हाट्स हिज नेम, स्टॉल. दैट गाय टुक सो मेनी डिलीवरीज मैन, 14 डिलीवरीज एंड ही हैज नॉट इवन स्कोर्ड अ सिंगल बाउंड्री मैन. That's just ridiculous. आखिरी विकेट भाई रोहन मुस्तफ़ा ने निकाला है और बोल्ड हो गए थे यहाँ पे अगर हम बात करें स्कॉट एडवर्ड्स. तो सदाम टॉफिक सेज यूएई इज गोइंग टू विन. ऑल राइट ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट. लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन. मुस्तफ़ा ने आखिरी विकेट निकाला था यहाँ पे, पाँचवीं गेंद यहाँ पे अगर हम बात करें तो कपल ऑफ रनस रोहन मुस्तफ़ा यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं पीटर सोलर को. पीटर सोलर ने दो रन दिया यहाँ पे. लेट्स सी नाउ, अभी भी 26 रन चाहिए, 6 विकेट्स अभी भी हाथ में, 7 गेंद का. तो यहाँ पे अगर हम बात करें आखिरी गेंद पे फाइनली यहाँ पे छक्का लगा है. आई डोंट नो हाउ दिस गाय हैज स्कोर्ड अ सिक्स बिकॉज पीटर सेलर को शुड हैव बीन केम अर्लियर देन स्टॉल. आई डोंट नो व्हाई दैट स्टॉल हैज केम बिफोर पीटर सेलर. भाई मैं भी वहीं से हूँ. रोहन मुस्तफ़ा इज़ अ ग्रेट बॉलर. या इज़ अ ग्रेट बॉलर, इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर ब्रदर. ऑल राइट गाइज, इफ़ यू जस्ट जॉइन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स. एंड असद रोज से नीदरलैंड जीत बे. वेल आई एम नॉट श्योर ब्रदर हु इज़ गोइंग टू विन दिस गेम, बट I'll still go with Netherland. Last ball, I think full toss delivery, that's why he was able to score a 6. And thank you so much Rakesh Reddy brother for joining my broadcast and for appreciating the work that which I'm doing. Okay, so 18 over 5 gende aur 4 wicket ke nuksan pe 26 runon ki zarurat hai abhi bhi. हाँ, और आखिरी गेंद पे देखते हैं क्या होता है. एक और सिक्स अगर लगा दे तो मज़ा आ जाएगा. हाँ, अभी जो बॉलिंग कर रहे हैं रोहन मुस्तफ़ा कर रहे हैं. आखिरी ओवर करेंगे यहाँ पे जहूर खान. लास्ट बॉल स्टिल हैज़ नॉट बोल्ड. सो राघव यू टोल्ड मी, या मैन यू टोल्ड मी इन द बिगिनिंग ऑफ द गेम, बट लेट्स सी स्टिल द गेम इज़ गोइंग ऑन. बिल्कुल भाई, जहूर खान आखिरी ओवर करने वाला है. और गाइज आप लोगों में से किसी ने भी अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो प्लीज़
सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का. आप लोग देख सकते हैं जो गेम है काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया है. और आखिरी गेंद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आखिरी ओवर में यहाँ पे 20 रनों की ज़रूरत है, तो 20 रन यहाँ पे आई थिंक दैट्स वेरी मच गेटेबल. आखिरी गेंद डॉट नहीं होती, चौका लग गया तो मज़ा आ जाता, कसम से कह रहा हूँ. और संजू जी 20 रनों की और ज़रूरत है. और आप लोगों में से किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गाइस विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस एज वेल. बिल्कुल आखिरी ओवर में 5-23 बनाए थे उन्होंने, और लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने वाइड काफ़ी सारे गेंदे करी थी गाइस. मोहित जी आखिरी ओवर जो यहाँ पे करने वाले हैं यहाँ पे जहूर खान करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे बल गेंदबाज मैं कहूँगा, और उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी करी है. रवि गौड नाउ नोबडी कैन प्रिडिक्ट नाउ माय प्रिडिक्शन इज़ विथ नीदरलैंड. या दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बॉलर दैट हु बोल्ड अ नो बॉल एंड ही स्कोर्ड अ बाउंड्री ऑन दैट बॉल, अदरवाइज दे शुड हैव बीन अ वेरी ईजी विन फॉर नीदरलैंड. नाउ इन द फर्स्ट डिलीवरी इफ यू टॉक अबाउट इट्स जस्ट अ सिंगल. आई डोंट नो दिस स्टॉल इज वाई टेकिंग सो मेनी डिलीवरीज मैन, ही इज दिस गाय इज जस्ट रिडिकुलस. This guy is not is you know even scoring a boundary. Staal yaar, I don't know why this guy is very ridiculous man. He's playing very slow, very 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 slow. Pieter Seelaar ko upar aana chahiye tha. This game should have been, I think, I don't want to predict anything now. Okay, ab dekh sakte hain guys. Ab agar hum baat kare. लास्ट ओवर 23 रन 19 ओवर दो गेंदे हो गई हैं, एक और डॉट बॉल हमारे. ओके आई थिंक VMR प्रोडक्शंस आई डोंट नो देन बॉलर नेम मीना, द बॉलर नेम इज जहूर खान, ही इज बॉलिंग इन द अटैक, सो लेट्स सी व्हाट ही इज गोइंग टू डू. So what do you guys think, will they be able to achieve this target in four balls they have, in three balls now they need 18 runs, so that means I think now this game is finished. I think UAE is going to win this game very easily. How many of you think that UAE is going to win this game? Okay, काफ़ी अच्छा बोला रहे भाई समीर. I think so. So now you guys can see here, if you guys have just joined my channel, please subscribe and press the bell icon so you guys will get the notification of my videos. Now this is going to be a very easy win for this guys, because now it's 19.4 overs and Staal has took so many deliveries to. And I think he should have been took some money from someone to, you know, guys. All right, guys. Jin logon ne subscribe nahi kara hai, guys. Subscribe and press the bell icon. Now you can see that I think Netherland is going to win. Netherland is going to lose this game, and I don't know why this guy has even came to bat. Okay. And anyone want to see Sanu Priya ji kya ho gaya? That's a prediction I told you already. Please guys don't I don't know why you guys start abusing. I mean I told you this is just a prediction, you guys can predict with by yourself as well. यू कैन सी इट्स 19 ओवर 5 गेंदे हो गई हैं, 167 रन 4 विकेट के नुकसान पे. और राइट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट UAE won द गेम, बट नथिंग वी कैन डू एनी थिंग, दिस इज जस्ट अ गेम एंड वन विल विन एंड वन विल लूज. सो यू कैन सी दे प्लेड वेल एंड दे वन द गेम जस्ट बिकॉज टू और थ्री प्लेयर्स. All right,
Okay, so these guys are now. I knew it, these guys will do this thing. और आप देख सकते हैं, अब स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो स्कोर कार्ड की, चलिए मैं आपको दिखा दूँ एक बार स्कोर कार्ड. सौरभ जी यार ले लेते तो आपके जरूर डेफिनेटली. प्रशांत ओके, सो आप अगर हम बात करें, यहाँ पे 20 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 20 ओवर के बाद 168 रन बनाया है. स्कोर कार्ड चलिए देख लेते हैं सौरभ भाई. ओके गाइस, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल, गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ का. ओके, कहाँ गुजर तन्हा. ओके आई थिंक बदर यू कैन सी गाइज, अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो अशफाक अहमद ने 54 रन बनाए थे, 35 गेंदों का सामना किया था इन्होंने, 11 चौके लगाए थे. रोहन मुस्तफ़ा ने 8 रन बनाए, पहले बल्लेबाजी गई थी यूएई की और 8 रन बनाए 9 गेंदों पे एक चौका. गुलाम शब्बीर की 19 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया. इसके अलावा अगर हम बात करें, रमीज शहजाद ने 11 रन बनाए, 52 रन मोहम्मद उस्मान बनाए थे और 12 गेंदों का सामना किया थे, 52 रन बनाए थे. मोहम्मद उस्मान ने 34 गेंदों पर. डी सिल्वा की अगर हम बात करें, 24 रन बनाए थे, 15 गेंदों का सामना किया. मोहम्मद बूटा ने 1 रन बनाया था. और गेंदबाजी अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नीदरलैंड ने, ब्रेंडन ग्लोवर ने 4 ओवर में 35 रन, 1 विकेट निकाला. और इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरडिज की, तो 3 ओवर में 38 रन काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए थे. इसके अलावा किंगमा की अगर हम बात करें, 4 ओवर में 47 रन, 2 विकेट निकाले, काफ़ी अच्छा उनका वो था. पीटर सेलर की बात करें, 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट लिया इन्होंने और 3 ओवर में 28 रन. सकीब जुल्फिकर ने लिया, कोई विकेट नहीं लिया इन्होंने. सिकंदर जुल्फिकर की बात करें तो यहाँ पे 2 ओवर में 13 रन और 1 विकेट. Now if we talk about the Netherland innings, Netherland you can see Myburgh took so many deliveries, so this is one of the reasons that Netherland lost the game, because Myburgh took 22 deliveries to score just 18 runs. That's ridiculous. And Maxed out, if we talk about Maxed out, he scored 51 runs in 35 balls. So that is the innings which I thought that he played and he gave the momentum to Netherland side. But again Ben Cooper played well. But he got out in that wrong time when the Netherlands needed him most. If we talk about Scott Edwards, he played well, but I think at the end of the innings he should have been on the crease. But I think that's how this game goes, and anything can happen. If we talk about Antonius Staal, this is the person that's why these guys has lost the game. Because of this person, this guy took 17 deliveries to score 19 runs. And that's too when they needed a score of 10 runs in every over. Pieter Seelaar, that's a wrong decision to take, that he took, him to promote before him. So that's one of the baddest decisions that I will say that he has made. If we talk about the bowling, Mohammad Nawid bowled 4 overs, 37 runs, no wicket. And Sultan Ahmed bowled 4 overs, 42 runs and 1 wicket. Rohan Mustafa 4 overs, 26 runs and 2 wickets. And 4 overs bowled by Ahmed Raza. And he has given 35 runs. Zahoor, if we talk about Zahoor, 26 runs he has given and 1 wicket he took. So that's all I believe. And there's no bowling. This game was going on right now. This game was going on in Amstelveen, and if we talk about Netherlands won the toss and they elected to field first, and this is a 4-match series, so this is going to be a very interesting series, because now as these guys have won this game, so I think that will be amazing. And thank you so much guys for joining my broadcast today, and if you guys have any questions, you guys can subscribe and you guys can press the bell icon as well for more notifications. And anybody have any questions, you guys can let me know in the comment section so I can help you guys. Any more questions guys, anybody? So this game is over now.
Anybody wants to know anything about this game, you guys can comment. And if we talk about the other game which is going on right now, that's India and India and West Indies. So India is needed. India is just lost 5 wickets, man. That's just amazing. That is game is also going to be a very interesting one because, not interesting because I think Jadeja is still playing and Krunal Pandya is there. So today nobody scored, played well, I will say, because Ryan took a couple of wickets. Kimo Paul has took 1 wicket and Pollard took 1 catch. Cottrell has took 1 wicket. So 80 runs they have scored till now and they need 16 more runs. Well, let's see who is going to win that game as well. And then we can, I think, move forward. So let's see, 33 balls, 16 runs needed. Okay, another single. So Krunal Pandya is on strike now. 7 runs he has scored in 9 balls. A strike rate is just 77. And if you talk about Ravindra Jadeja, he has took 3 balls and he has scored 6 runs. So that's his strike rate is 200. So he played really well in the final game of, what do you say? And I predicted one more game, which is Toronto Nationals and the Brampton Wolves, where I think Brampton is doing really very well. So thank you so much guys for joining today, and if you guys have any questions, please do subscribe and press the bell icon for my channel as well. And if you guys have any questions, please do let me know. So now I have to go offline, so we can meet very soon, and we'll talk about more later. Alright guys, oh, thank you and have a blessed day guys. Good night everybody.